चलिए जी गुड इवनिंग शुभ संध्या राधे राधे जय श्री कृष्णा सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक एक बार बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है तो भैया जोरदार तरीके से सभी लोगों का सेशन को लाइक करना तो बनता ही है दोस्तों कभी शेयर भी करिएगा शानदार दमदार एकदम धमाकेदार वाली क्लास होने वाली है तो महातांडो की आज शुरुआत हो रही है महातांडो की आज शुरुआत हो रही है और आज आपको सबसे पहले जीएस पढ़ने को मिलेगा और जीएस के बाद फिर आपको साइंस पढ़ने को मिलने वाला है तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई निशा आकाश आहाना शानू अशोक अनीता चांदनी गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत तो है श्वेता मोस्ट वेलकम भाई मनोज क्या है भैया चलिएगा तो देखते हैं दोस्तों शुरू करते हैं और ये देखिएगा इसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है कि नक्षत्र वन एवं धनवंतरी वाटिका का उद्घाटन किया गया है क्या भैया नक्षत्र वन एवं धनवंतरी वाटिका का उद्घाटन तो किसके पास इसका आंसर है बताएंगे जोरदार तरीके से और सभी के पास इसका आंसर होना ही चाहिए तो कौन बता रहे भैया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पटना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पटना और आप देखेंगे बढ़िया क्वेश्चन और पटना की बात करते हैं तो दोस्तों पटना में और क्या मिल जाएगा आपको तो पटना में ही आपको मिल जाएगा क्या यहीं पर आपको मिलेगा भाई पहला पहला कछुआ क्या भैया पहला आपको डाल्फिन संरक्षण केंद्र भी यहीं पर मिलेगा क्या मिलेगा यहां पर पहला जो डालफिन संरक्षण केंद्र है वो यहीं पर मिलेगा पहला डाल्फिन संरक्षण केंद्र ठीक है ना तो ये भी याद रखना है बाकी आप जानते हैं कि अगर हम पटना की बात करते हैं तो पटना याद करिए कि दोस्तों पटना वही है जिसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था पाटलिपुत्र कहा जाता था क्या कहा जाता था पाटलिपुत्र और आपको याद होगा कि जैसे आज के समय में हम इसको पटना कहते हैं ना आज हम इसे पटना कहते हैं लेकिन वास्तव में इसे पटना नाम किसने दिया था तो दोस्तों याद रखिएगा पटना नाम किसके द्वारा दिया गया था 1541 में 1541 में शेरशाह सूरी ने दिया था किसने भैया सूरी ने दिया था इसको पटना नाम क्लियर बात है दे 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 है ना भैया स्टाइलर दे दो यार चलिए तो ध्यान दीजिएगा अब इसके बाद और चीजें अगर आप देखेंगे तो भाई पटना पटना के अगर हम पुराने नाम की बात करते हैं पटना का भी एक पुराना नाम है दोस्त क्या पटना का भी एक पुराना नाम है और ये पुराना नाम क्या है ये पुराना नाम है कुसुमपुर क्या नाम है इसका कुसुमपुर जी हाँ बिल्कुल सही देख रहे हैं आप और यहां की यहां पर, यहा यहा पर पहला दुर्ग यहां पर पहला दुर्ग या पहला किला किसने बनवाया था यहां पर पहला दुर्ग या पहले किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था तो ये कराया गया था दोस्तों आजाद शत्रु के द्वारा किसके द्वारा आजाद शत्रु के द्वारा यहाँ पर पहला दुर्ग या किला बनवाया गया था इसी प्रकार से आप देखेंगे तो इसको बसाया किसने तो भैया उदयन के द्वारा बसाया गया किसने बसाया उदयन ने बसाया था तो सीक्वेंस आप समझ पा रहे हैं एकदम बिल्कुल देखिए सीक्वेंस ये समझना है कि भाई ये जो कुसुमपुर नाम का स्थान है इसकी सामरिक स्थिति को पहचान कर यहां एक किला बनवाया सबसे पहले आजाद शत्रु ने उदयन ने प्रॉपर तरीके से इसे बसाया और पहले पहला शासक पहला शासक उदयन हुआ जिसने इसे राजधानी बनाई पहला शासक उदयन हुआ जिसने इसको राजधानी बनाई उदयन जिसने क्या किया भैया पहली बार इसको राजधानी बनाई ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है और आगे चलकर ये बहुत सारे लोगों के समय में राजधानी के रूप में इस्तेमाल होता रहा और जब हम पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि गंगा और सोन नदी के दो में है गंगा सोन दो में स्थित है कहां पर स्थित है गंगा सोन दो में ये स्थित है ठीक है ना तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है चले तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कई बार पूछा गया है आइए जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को इसका आंसर किसके पास है बहुत बढ़िया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और सभी के पास इसका आंसर होना चाहिए द्वारा जारी विश्व बिलेनेर सूची में कुल कितने भारतीय अरबपतियों को शामिल किया गया है तो कौन बता रहा है बताएंगे जरा जोरदार तरीके से देखिए एक बात समझिएगा यहां पर क्या समझना है कि अगर हम सर्वाधिक अरबपतियों की बात करते हैं तो सर्वाधिक अरबपति कहां से है भाई सर्वाधिक अरबपति कहां से है दोस्तों तो सर्वाधिक अरबपतियों में पहले नंबर पर अमेरिका है ठीक है ना दूसरे नंबर पर कौन है दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों तीसरे नंबर पर आपका भारत है तीसरे नंबर पर कौन है तीसरे नंबर पर भारत है कौन है तीसरे नंबर पर, पर भारत है मतलब पूरी दुनिया में अगर हम अरबपतियों की संख्या की बात करते हैं तो संख्या के लिहाज से भारत तीसरे स्थान पर है और भारत में टोटल कितने अरबपति हैं एक अरबपति हैं अब अगर हम इन अरबपतियों की बात करते हैं तो दुनिया के जो शीर्ष अरबपति हैं उसमें पहले नंबर पर कौन आते हैं बर्नार्ड अर्नाल्ट आते हैं बर्नार्ड अर्नल्ट आते हैं दोस्तों जो कि आप देखेंगे फ्रांस से बिलोंग करते हैं दूसरे नंबर पर एलन मस्क आते हैं और तीसरे नंबर पर जेब बेजोस आते हैं बात समझ रहे हैं भाई पूनम जी बिल्कुल भाई अंकित जरा समझना कि भाई एकदम सिंपल है कि बर्नार्ड अर्नार्ड जो है पहले नंबर पर आते हैं जो कि कहां से है फ्रांस से है अमेरिका से हैं है, और क्लियर बात है ना? इसके बाद अगर हम भारतीयों की बात करते हैं तो भारतीयों में आप देख रहे होंगे कि पहले पर कौन है भैया तो पहले नंबर पर है मुकेश अंबानी पहले नंबर पर कौन है मुकेश अंबानी पहले नंबर पर है भारत से जो कि पूरी दुनिया में कौन सी रैंक रखते हैं रैंक रखते हैं कौन सी भैया नौवीं रैंक रखते हैं गौतम अडानी और इसी के बाद है दोस्तों वो चौबीस और पचपन है कितनी है चौबीस और पचपन है ठीक है तो एकदम सिंपल है दुनिया के भी तीन सबसे ज्यादा अरबपतियों के तीन टॉप अरबपतियों के नाम और भारत के भी टॉप थ्री अरबपतियों के नाम ठीक है याद रखना है क्लियर बात है ना चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखिएगा और बताइएगा इसका आंसर तो बिल्कुल आपके पास होना चाहिए नीचे लाइन नहीं चल रही चलो भैया फटाफट बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करिएगा तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी कब स्थापना हुई थी चौबीस अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी और जरा ध्यान दीजिएगा इसी वजह से दोस्तों हर साल चौबीस अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस भी मनाया जाता है क्या मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है और अगर 1945 में आप देखेंगे तो दोस्तों 16 अक्टूबर जी हाँ भाई 24 अक्टूबर के आठ दिन पहले आइए ना 16 अक्टूबर 1945 के दिन किसकी स्थापना हुई थी तो 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ठीक है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन क्या कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन देखो ये याद करने का एक तरीका है दोस्तों ठीक है ना ये याद करने का एक तरीका है खाद्य एवं कृषि संगठन 16 अक्टूबर 1945 उसी के दिन बाद 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और इसी के इसी के एक महीने पहले आ जाइए क्या 16 नवंबर 1945 को तो 16 नवंबर 1945 को क्या हुआ था यहां पर हुई थी यूनेस्को की स्थापना किसकी स्थापना यूनेस्को की स्थापना बात समझ रहे हो ना तो इस प्रकार से आपको याद रखना है और चूंकि हर साल चूंकि आप देखेंगे सोलह अक्टूबर के दिन स्थापना हुई थी किसकी भाई यह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की इसीलिए 16 अक्टूबर को हर साल विश्व स्वास्थ्य विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है क्या मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और इसी प्रकार से यहां भी आप देखेंगे कि 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है चलिए फिलहाल ये बताइएगा जरा इसका आंसर किसके पास है भाई निर्मल नैना अमन अंशुर बताओ भैया ब्रिक्स बैंक का नवा सदस्य देश कौन सा है दोस्तों ब्रिक्स बैंक का नवा सदस्य देश देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो ब्रिक्स बैंक आप देख रहे हैं ठीक है ना ये जिसको आप ब्रिक्स बैंक कह रहे हैं इस ब्रिक्स बैंक की जो अध्यक्ष है अध्यक्ष कौन है भैया तो अध्यक्ष याद रखना है अध्यक्ष है डिल्मा रोसेफ कौन है भाई तो डिल्मा रोसेफ इसकी अध्यक्ष है ठीक है ना तो रोसेफ ये इसके अध्यक्ष हैं और जब हम बात करते हैं इसकी तो इसका राइट आंसर क्या है मिस्र या इजिप्ट क्या है मिस्र या इजिप्ट अब आप देखेंगे तो मिस्र जो है ठीक है मिस्र जो है दोस्तों या इजिप्ट जो है इसके राष्ट्रपति याद करिए कि इसके राष्ट्रपति का हाल ही में भारत आगमन हुआ था क्या नाम है इनका अब्दुल फतेह अल सीसी क्या नाम है इनका अब्दुल फतेह अल सीसी इनका नाम है तो ये जो अब्दुल फतेह अल सीसी कौन है ये जो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं आप देखेंगे तो ये दोस्तों कौन हैं तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और 26 जनवरी 2023 के मौके पर 26 जनवरी 2023 की अगर हम बात करें तो ये भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र दिवस पर ये क्या रहे भारत के मुख्य अतिथि रहे क्या रहे मुख्य अतिथि रहे क्लियर बात है ना तो बिल्कुल आपको याद करके चलना है अब यहां पर देखेंगे जब ये भारत आए हैं ना जब ये भारत आए हैं तो उसी समय इनकी ये जो मिस्र की जो सदस्यता है ब्रिक्स बैंक में सदस्यता को लेकर वो फाइनलाइज हुई है जब हम ब्रिक्स बैंक की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपको लगे कि सर पता नहीं है ना इसका क्या कुछ है रिलेटेड चीज है तो आप एकदम सिंपल समझिए कि ब्रिक्स बैंक में जो सदस्य देश हैं वो नौ देशों के नाम बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगे कैसे याद हो जाएंगे भाई एक तो इसमें ब्रिक्स के जो सदस्य हैं वो सदस्य तो है ही ठीक है ब्राजील रसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ये आप लगभग सभी लोग जानते होंगे कि भाई ब्राजील रसिया ठीक है ना ब्राजील रसिया इंडिया ठीक है चाइना और साउथ अफ्रीका तो ये पांच देश तो है ही है इसके अलावा और कौन से देश है भाई तो एक तो आपका ये हो गया मिस्र हो गया और कौन सा है तो भाई ये आप देख रहे होंगे बांग्लादेश है कौन है बांग्लादेश है और कौन है उरुग्वे है कौन है उरुग्वे है और कौन है भाई तो एक आपका यू है कौन है UAE है तो ये बात आपको समझ के चलनी है चलिए आगे देखा जाए ये रहा हाल ही में कौन सा देश भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है हाल ही में कौन सा देश भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है तो देखिए इसमें पहले नंबर पर शेयर बाजार की जब हम बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम शेयर बाजार की बात कर रहे हैं तो शेयर बाजार में आप देख रहे होंगे पहले नंबर पर कौन है पहले नंबर पर दोस्तों अमेरिका है पहले नंबर पर कौन है अमेरिका पहले नंबर पर है यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन है दूसरे नंबर पर चीन है तीसरे नंबर पर कौन है तीसरे नंबर पर जापान है अब आपको ज्यादा नहीं जानना है तो दुनिया का तीन सबसे बड़ा जो शेयर बाजार है वो कौन है वो भैया अमेरिका चीन और जापान है ठीक है अब अगर हम बात करते हैं कि भारत को पीछे छोड़कर कौन पहुंचा है छठे नंबर पर तो भैया यूनाइटेड किंगडम छठे नंबर पर पहुंच गया है इसका मतलब भारत कौन सी पोजीशन पर है सातवीं तो यहां दो तीन बातें आपको ध्यान देनी है कि भैया भारत से आगे यूनाइटेड किंगडम निकल गया है तो मतलब भारत शेयर बाजार के मामले में सातवें नंबर पर है और टॉप थ्री कंट्रीज याद रखना है अमेरिका चीन और जापान एक बात और है कि जब शेयर बाजार की बात करते हैं तो शेयर बाजार से संबंधित जो कंपनियां होती हैं उन पर जो नियंत्रण एवं नियमन का काम है 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 ठीक ठीक जो चीजें हैं शेयर बाजार की वो सेबी करती है, ना तो शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है ये दोस्तों किया जाता है सेबी के द्वारा जब हम सेबी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उन्नीस में न्यू पड़ी थी और बकायदा उन्नीस में स्थापना हुई थी ठीक है उन्नीस में बाकायदा स्थापना हुई थी उन्नीस में क्या हुआ था न्यू पड़ी थी और सेबी का हेड ऑफिस कहां पर स्थित है तो मुंबई में इसका हेड ऑफिस स्थित है कहां पर मुंबई में इसका हेड ऑफिस स्थित है ठीक है चलिए आगे देखा जाए पेपरलेस व्यवस्था वाला बिहार का पहला जिला कलेक्ट्रेट कौन बना है तो भैया पेपरलेस व्यवस्था वाला बिहार का पहला जो जिला कलेक्ट्रेट है वो आपको बताना है देखिए अगर आपसे कहा जाए पहला पेपरलेस ठीक है अगर आपसे कहा जाए पहला पेपरलेस क्या भाई कई तरह की चीजें हो सकती हैं जैसे अगर आपसे कहता है कि पहला पेपरलेस मंत्रालय बता दीजिए तब आप क्या, दी क्या बता रहे होंगे पहला पेपरलेस बजट बता दीजिए तब आप क्या बता रहे होंगे पहला पेपरलेस क्या भाई पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बता दीजिए तब आप क्या बता रहे होंगे ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब आप ध्यान देंगे कि इसका राइट आंसर क्या है सहरसा तो भारत का जो पहला पेपरलेस मंत्रालय है वो कौन सा है दोस्तों ये है कोयला मंत्रालय कौन सा है कोयला मंत्रालय पहला जो पेपरलेस अगर हम बजट की बात करते हैं पहले पेपरलेस बजट की बात करते हैं तो यहां ध्यान रखेंगे कि पेपरलेस बजट में दो चीजें हैं अगर राज्य की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश और भारत की बात करेगा तो किस वर्ष का तो 2021-22 20. वाला जो भारत का बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था और हाई कोर्ट की बात करें तो किस राज्य की हाई कोर्ट पेपरलेस है ठीक तो है तो केरला कौन है केरला है क्लियर बात है और अगर आपसे कहता है कि पहली पेपरलेस विधानसभा तब आपका आंसर हो रहा होगा क्या नागालैंड हो रहा होगा ठीक है ना तो एकदम महत्वपूर्ण है चलते हैं अगले सवाल की ओर ठीक है ना चलिए ये रहा अगला सवाल बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बताएंगे और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है कौन सा युग में इसमें से सुमेलित नहीं है आप आराम से बता सकते हैं जैसे आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत मूल कर्तव्य आते धर्मेंद्र जरा दिमाग लगाओ कि ये पूछने की जगह है हमको क्या पता कब कंप्लीट होगा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो वहां पूछो हैं चलो जरा ध्यान दो निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है आर्टिकल फिफ्टी वन ए के अंतर्गत मूल कर्तव्य अनुच्छेद चौवन के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद एक सौ चौबीस के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद एक सौ तिरपन के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति तो यहां आप देखेंगे तो डी गड़बड़ है क्योंकि 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है यहां यही बात विशेष रूप से समझनी है जब राज्य स्तरीय आप परीक्षाएं देते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि भैया आर्टिकल दो यहां महत्वपूर्ण तो हो जाते एक वन और दूसरा महत्वपूर्ण तो होता है वन ठीक है ना सॉरी वन ठीक है इसमें क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा समझ रहे हैं ना प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा ठीक है और यहां पर क्या कहा गया है यहां पर कहा गया है कि भाई जो राज्यपाल की नियुक्ति है किसकी राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा ये बिल्कुल जो है है ना बिल्कुल एक चीज समझिए ये? ये उसी तरीके से है जैसे हाईकोर्ट वाले मामले में क्या होता है एक होता है अनुच्छेद 214 और एक होता है क्या अनुच्छेद 217 सौ ठीक है ना तो 214 में क्या कहा गया है 214 में कहा गया है कि भाई प्रत्येक राज्य की एक हाईकोर्ट होगी प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगी यह कहा गया है समझ रहे हैं और जो 217 है इसमें कहा गया है क्या इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति जज जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे बात समझ रहे ना राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तो कहने का मतलब है कि इस तरह की चीजें बहुत मायने रखती हैं ऐसी समझिए जैसे यूपीएससी होता है मतलब संघ लोक सेवा आयोग या स्टेट पीएससी होता है जैसे बिहार पीएससी तो भैया इसमें भी क्या होता है राज्य लोक सेवा आयोग इसमें किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि भैया हाँ हा तो अनुच्छेद 315 में लिखा है कि भाई एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य में एक एक क्या होगा राज्य लोक सेवा आयोग होगा लेकिन इसके जो अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त किए जाते हैं अध्यक्ष व सदस्य जो नियुक्त किए जाते हैं तो उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है पता है तो यह होती है दोस्तों अनुच्छेद 316 के तहत समझ रहे हैं ना? तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे प्रश्न ही ज्यादातर टेंशन में डालते हैं और आपको इन्हीं प्रश्नों को विशेष रूप से फोकस करना है चलिए अब यह बताइएगा जरा भैया फटाफट सभी के पास आंसर आना चाहिए चलिए भाई अंकित बंधन गुप्ता जी केशव बहुत बढ़िया जबरदस्त बताएंगे भैया आना देखिए इसमें कम से कम आपको उत्तर प्रदेश का तो याद होगा कि इकतीस है ठीक है तो अगर हम एक को चार से मिलाएं तो केवल एक ही विकल्प दिख रहा है बात खत्म हो जाती है समझ रहे ना तो एक को अगर हम चार से मिलाएं ठीक और इसी प्रकार से आप जरा यहां मैप पर भी देख सकते हैं इस मैप में देखिए जैसे अपने बिहार का देखा जाए तो बिहार देखिए क्या लिखा है चालीस और सोलह दिख रहा होगा लगभग दिख रहा है ठीक है ना तो आप देखेंगे यहां पर जो बिहार का अपना मैप है इस बिहार के मैप के अंदर लिखा हुआ है क्या दो लिखा है गिनतियां एक लिखी है चालीस और एक लिखा है सोलह इसका मतलब क्या हुआ कि चालीस लोकसभा सीट है और सोलह राज्यसभा सीट है ऐसे ही सभी राज्यों के मैप के अंदर दो संख्याएं लिखी हैं जो बड़ी संख्या है वो ये बताती है कि लोकसभा में कितनी सीट है जो छोटी संख्या है वो बताती है कि राज्यसभा में कितनी सीट है ठीक है ना हां और बाकी अगर स्टेट की बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों को आप छोड़ इन सब में से केवल आप असम को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी राज्यों में राज्यसभा की एक एक सीट है ठीक है ना चलिए आगे देखा जाए सूची एक को सूची दो से मिलान करना है और आप समझ सकते हैं कि जैसे भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है ब्रिटेन से ली गई है क्लियर बात है अच्छा भारत की आपातकालीन व्यवस्था कहां से ली गई है जर्मनी से ली गई है भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से और जापान से क्या ली गई है जो बच गया आपका कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो राइट आंसर है क्या चार तीन दो एक चार तीन दो एक क्लियर बात है ना चलिए इसको बताइएगा जरा बताना है आपको कि ज्योति तीव्रता का मात्र क्या होता है भाई कौन बता रहा है जोरदार कमेंट आने चाहिए और हाँ लाइक वाला बटन तो सभी लोग दबा देंगे जी हाँ उसमें कहे है कि कंजूसी दोस्त कैंडेला अब यहां आप देखेंगे कि एग्जाम में किसी भी मात्रक से क्वेश्चन हो सकता है तो कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक की लिस्ट यहां पर है आपको इनको याद करना ही करना है ये बताइएगा जरा बढ़िया क्वेश्चन है और याद करिए कि ऐसे सवालों में याद होगा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे अगर आपसे कहता है भूपटल तो भूपटल भी कह सकता है या भूपरपट्टी भी कह सकता है क्या कह सकता है भूपरपट्टी भी कह सकता है तो भूपटल या भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला मात्रा में पाया जाने वाला पाया जाने वाला पाया जाने वाला, पाया जाने वाला, पाया जाने वाला क्या भाई तत्व पूछा जाए तो क्या बताओगे ठीक है और धातु पूछी जाए तो क्या बताओगे बात समझ रहा हूं ना तो भाई भूपटल या भू पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता रहे होंगे ऑक्सीजन और अगर धातु पूछी जाती है तो आप बता रहे होंगे एल्यूमिनियम सही बात है कि नहीं और कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया है तो बिल्कुल आपको याद करना है अब इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन को 49.9 परसेंट से मिलाइए तो सी को तीन से मिलाना है और सी को तीन से मिलाएंगे तो एक ही विकल्प है काम खत्म हो जाता है ठीक है ना हां एक ही विकल्प है काम खत्म हो जाता है अच्छा एक मिनट एक मिनट ये वाला नहीं ठीक है ये यहां पर गड़बड़ दे रखा है ठीक है ऊपर नीचे है ना थोड़ा सा तो इस वजह से आप देखिएगा राइट आंसर सी होगा मतलब ये है कि मैग्नीशियम को इससे ये इससे और ये इससे ठीक है ना चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं एक दो तीन चार वाला मामला है पूरा ये देखिए अच्छा अब एक बात का और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो परसेंटेज है इन परसेंटेज को तो आपको ध्यान रखना है ठीक है ना यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपको शुरू के तीन कम से कम याद करने ही पड़ेंगे ठीक है ना शुरू के कम से कम तीन याद करने पड़ेंगे कि पटी, पर सर्वाधिक मात्रा में वाला में पाए जाने वाले तत्वों ऑक्सीजन पहले नंबर पर फिर सिलिकॉन है लेकिन याद रहे एल्यूमोनियम तत्व न होकर धातु है ये क्या है भैया धातु है ठीक है ना तो उस चीज का थोड़ा ध्यान देना है ठीक है अच्छा ये बहुत ही आसान सवाल है बस एक बार ध्यान से पढ़िएगा बफरिंग हो रही है चले तो ध्यान से जरा पढ़ के बताइएगा कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ बात तो सही है कि औरंगजेब के बाद औरंगजेब जो है वो शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ तो शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन बैठा था औरंगजेब शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठा कारण क्या था ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया तो गलत बात है क्या ज्येष्ठ पुत्र था क्या औरंगजेब शाहजहां का बड़ा बेटा था नहीं था ठीक है ना इसका मतलब ए तो सही है मतलब ए तो सत्य है लेकिन आर क्या है असत्य है ठीक है बात समझ गए ना भाई सीधी सी बात है कि भाई औरंगजेब औरंगजेब का उत्तराधिकारी तो हुआ लेकिन अपने ही बड़े भाई दारा शिको की हत्या करके गद्दी पर बैठा था चलिए ये बताइएगा सुमेल करना है देखिए यहां पर आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है तो भैया क्या आपने कभी अष्ट प्रधान सुना है क्या आपने कभी सुना है दोस्तों बिल्कुल सुना होना चाहिए अष्ट प्रधान क्या था अष्ट प्रधान आप देखेंगे तो आठ मंत्रियों की परिषद थी क्या थी दोस्तों आठ मंत्रियों की परिषद को अष्ट प्रधान आठ मंत्रियों की परिषद को अष्ट प्रधान कहा गया है किसके द्वारा इसका सृजन किया गया था तो अष्ट प्रधान का जो सृजन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया था ये जो अष्ट प्रधान के अंतर्गत जो आते थे उसको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक जरा देखिएगा पेशवा की अपनी सूची क्या पेशवा की अपनी सूची ये ट्रिक किस लिए बता रहे हैं भाई ये ट्रिक इसलिए बता रहे हैं ताकि याद हो जाए कैसे याद होगा जरा ध्यान दीजिएगा पेशवा की अपनी सूची में आप देखिएगा तो पे से पेशवा मतलब आठ मंत्रियों के परिषद में एक पेशवा थे दूसरा स से क्या हो जाएगा सरनोबात अर्थात सेनापति थे ठीक है वह से हो जाएगा वाकया नवीस एक यह भी पद था ठीक है इसी प्रकार से आ से हो जाएगा क्या अमात्य ठीक है ना और प से क्या हो जाएगा पंडित राव क्या हो जाएगा पंडित राव और न से क्या हो जाएगा न्यायाधीश क्या हो जाएगा न्यायाधीश सु से क्या हो जाएगा सुमंत हो जाएगा क्या सुमंत और ची से क्या हो जाएगा चिटनिस हो जाएगा तो अब आपसे जब भी क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा जैसे कई बार यहां से क्वेश्चन कैसे आता है पता है यहां से कई बार दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आठ मंत्रियों की परिषद अर्थात अष्ट प्रधान में शामिल नहीं था क्यों भाई खुशी तो एकदम इस बात को समझना है अब आप जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां एक चीज का बस नोट और कर लीजिएगा कि भैया सुमंत को क्या कहा जाता था दबीर भी कहा जाता था और एकदम बिल्कुल आपको वीके का झीके अंदाज में ये चीजें याद होंगी जरा ध्यान से समझिएगा कि अब इसमें अगर आप कम से कम सुमंत विदेश मंत्री थे अमात्य जो है जैसे इसी को डी को दो से मिलाइए देखिए यहां पर आंसर मिल गया कहानी खत्म ठीक है ना हाँ तो भाई ये समझ के चलना है ठीक है और अच्छे क्वेश्चन है और यहां से आते हैं ठीक है अच्छे है अच्छे क्वेश्चन और अक्सर जो है, पूछे जाते हैं, ठीक है? एक एक तीन, चार दो एक तीन हाँ ठीक है चार दो ठीक है ना तो बिल्कुल बढ़िया है अच्छा एक बात और है यहां पर जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्ट प्रधान का विघटन किसके समय में हुआ तो याद रखिएगा कि भैया अष्ट प्रधान का विघटन हुआ था शिवाजी के ही पुत्र जिनका नाम था संभाजी ठीक है ना आ, बिल्कुल याद रखेंगे संभाजी ठीक है संभाजी के समय में ठीक है तो कहने का मतलब है कि आठ मंत्रियों की परिषद मराठा राज्य को मराठा वंश को आगे चलाने के लिए ठीक है जो आठ मंत्रियों की परिषद बनाई वो शिवाजी ने बनाई और उसका विघटन किसने किया संभाजी ने किया समझ रहे ना तो राइट आंसर बिल्कुल जबरदस्त है चलिए ये बताइए जरा बहुत बढ़िया सा सवाल है अपने बिहार का और सवाल पूछा गया है क्या दोस्त कि बाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप सब जानते हैं कि ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है क्यों भाई ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व एकमात्र टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है भाई पश्चिमी चंपारण में स्थित है कहां पर दोस्तों पश्चिमी चंपारण में स्थित है बताया पूछा जा रहा है कि मैं किस पक्षी का प्रवास केंद्र बनाया जा रहा है तो यहां पर दोस्तों किसका बनाया जा रहा है मोर का प्रवास केंद्र बनाया जा रहा है और आप सब जानते हैं कि मोर क्या है गौरैया का नहीं गौरैया राज्य पक्षी है इस वजह से बता रहे हो नहीं मोर का अच्छा मोर जो है ये राजकीय नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय पक्षी है चलिए ये बताइए जरा बताना है कि अट्ठारह के विप्लव के संदर्भ में इनका मिलान करिए तो जैसे बख्त खां है तो इन्होंने क्रांति का नेतृत्व तो कहां से किया था दिल्ली से अब आप कहेंगे सर बख्त खां ने कहां पर किया था भाई है ना बक्त खां ने नहीं बल्कि दिल्ली से तो आप कहेंगे सर बहादुर शाह जफर ने किया था तो आई अग्री मैं सहमत हूं कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दूती ने किया था लेकिन आपको बता दूं कि ये जो बख्त खां है ये बहादुर शाह के सेनापति थे ठीक है ना ये बहादुर शाह के क्या थे बहादुर शाह के सेनापति थे ठीक है तो जाहिर सी बात है कि अगर कहता है दिल्ली से दो दो लोगों ने नेतृत्व किया इस तरह से बहादुर शाह और उनके सेनापति बख्त खां ठीक है मौलवी अहमदुल्ला ने कहा से नेतृत्व किया था तो मौलवी अहमदुल्ला का क्षेत्र अवध माना जाता है कुंवर सिंह का क्षेत्र भैया बिहार और नाना साहब का कानपुर तो राइट आंसर हो, हो जाता है चार एक तीन दो क्लियर बात है चलिए ये देखिए जी हाँ तो बताएंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाल ही में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया भैया ठीक है ना चलिए फटाफट बताएंगे जोरदार तरीके से कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाल ही में सूफी महोत्सव का आयोजन हुआ है सूफी आप जानते हैं क्या है भाई याद करिए कि मध्यकाल में मध्यकाल में बारह सूफी संप्रदाय भारत में हुए मध्यकाल में भारत में कितने सूफी संप्रदाय हुए मध्यकाल में भारत में बारह सूफी संप्रदाय हुए बारह सूफी सिलसिले हुए या संप्रदाय हुए है ना सूफी सिलसिले हुए है ना और इस ये जो सिलसिले हुए इसमें से पहला कौन सा था इसमें से पहला माना जाता है चिस्ती संप्रदाय कौन सा चिस्ती रहे हैं का? पहला का ना पहला कौन सा माना जाता है तो पहला माना जाता है ठीक है ना तो विभिन्न संप्रदायों में से पहला माना जाता है, ठीक है? और यह थे। थे? कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत में प्रथम सूफी संप्रदाय कौन सा हुआ और उसके संस्थापक कौन थे क्लियर बात है ना तो एकदम बिल्कुल महत्वपूर्ण है ठीक है चलिए अब देखिए क्या है कि एक बात यह भी समझिए कि एग्जाम में चूंकि करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन भी आने हैं तो करंट अफेयर्स के बिना काम तो नहीं चलेगा ठीक है तो और यह करंट अफेयर जो होगा वो इंडिया का भी हो सकता है मतलब नेशनल भी इंटरनेशनल भी और बिहार का भी थी, ठीक है यह ध्यान दीजिए बिहार के कितने अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा देखिए एक्चुअली में दो मेडिकल कॉलेज हैं जिनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मतलब यहां पर व्यवस्थाएं एक्सीलेंट की जाएंगी तो दो मेडिकल तो जो दो मेडिकल कॉलेज है ठीक है और इसका राइट right आंसर इस तरह से क्या हो जाएगा दो हो जाएगा क्लियर बात है ना चले अगले सवाल की तरफ ठीक है ये बताइएगा जरा हाँ बढ़िया क्वेश्चन है दो मेडिकल कॉलेजेस पटना और भागलपुर बताएंगे बिहार के किस जिले का जिले के जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक बनाया गया है क्या बनाया गया है महानिदेशक ये जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है ना इसमें आप देखेंगे तो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी और, और कोलकाता में इसका हेड ऑफिस है कहां पर हेड ऑफिस है कोलकाता में इसका हेड ऑफिस है और ये किस जिले से बिलोंग करते हैं औरंगाबाद जिले से बिलोंग करते हैं ठीक है ना कहां से औरंगाबाद जिले से बिलोंग करते हैं अठारह में स्थापित कोलकाता में इसका हेड ऑफिस है है ठीक बताइएगा जरा बिहार में कब तक सभी पंचायतों को मिट्टी जांच करने का लक्ष्य रखा गया है मिट्टी जांच के लक्ष्य की बात हो रही है तो यहां पर बिहार में मिट्टी की जांच का जो लक्ष्य रखा गया है वो क्या रखा गया है तो 2025 रखा गया है ठीक है ना 2025 रखा गया है 2025 तक तो और क्या लक्ष्य है याद है भारत सरकार का भारत सरकार का 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भी है 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था भारत की जो जीडीपी है भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कितना पांच ट्रिलियन डॉलर का करने की है ना वही योजना है और इस साथ ही नंबर तीन पर भी पहुंचाने का प्लान है तो याद रखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था को भारत की इकोनॉमी को नंबर तीन की इकोनॉमी बनाना और पांच ट्रिलियन डॉलर ठीक है ना तो ये भी याद करना है चलिए ये देखिएगा जोरदार तरीके से बताएंगे बहुत बढ़िया जनगणना 2011 का 2021 का देखिए जनगणना 2021 का संचालन कितनी भाषाओं में किया जा रहा है तो जनगणना 2021 की जब हम बात करेंगे तो एक चीज का ये ध्यान रखिएगा कि इसकी थीम क्या रखी गई है पता है तो दोस्तों इसकी थीम रखी गई है क्या रखी गई है जन भागीदारी से जन कल्याण क्या थीम है इसकी जन भागीदारी से जन कल्याण इसकी थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण क्या है इसकी थीम है बात समझ रहे सोलह भाषाओं में ये जो जनगणना हो रही है इसके जनगणना आयुक्त कौन है ठीक है तो जनगणना आयुक्त याद रखिएगा कि वर्तमान जो जनगणना आयुक्त है इसका इनका नाम क्या है तो मृत्युंजय कुमार क्या नाम है इनका मृत्युंजय कुमार नारायण क्या नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण ठीक है ना नारायण नारायण ठीक है ना तो मृत्युंजय कुमार नारायण क्लियर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए अगले सवाल की तरफ चलें बाकी आप सब जानते हैं कि भारत में पहली जनगणना अठारह में हुई थी और पहली नियमित जनगणना अठारह में हुई थी यह बताएंगे केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म उद्यम हेतु तय किया गया मानदंड है किसके लिए माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए एक करोड़ निवेश और पांच करोड़ का टर्नओवर आप कहेंगे सर कैसे याद हो अरे देखिए ना यह है माइक्रो मतलब क्या यह है लघु ठीक है ना ये आप समझिए सूक्ष्म है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम ठीक है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम ठीक है तो आप समझिएगा ती तीन प्रकार के उद्योग कौन कौन से सूक्ष्म लघु और मध्यम तो सूक्ष्म उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो सूक्ष्म उद्योग दोस्तों किसके किसको माना जाएगा सूक्ष्म उद्योग उसको माना जाएगा जिसका जो टर्नओवर हो वो दस लाख का हो और जो न्यू कैपिटल हो देखिए पर समझिए जो पुराना और नया है मतलब पुराना डाटा क्या था नया डाटा अब पुराना तो छोड़ दीजिए क्या -क्या एक करोड़ करोड़ का क्या भैया टर्न है तो लघु तो कहेंगे और यहां पर देखेगा कि भाई पचास करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल है और दो करोड़ का टर्न है तो उसको मध्यम उद्योग कहेंगे समझ रहे चलिए आगे देखा जाए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है अब इसमें ध्यान दीजिएगा वाली वाली लाइन लाइन और ये जरूर याद करना है ठीक है हाँ। अगर आप चाहते हैं एग्जाम निकले देखिए क्या है कि तैयारी करने वाले बच्चों में भी दो तरह के बच्चे होते हैं दो तरह के छात्र होते हैं एक वे जिनको सिर्फ वही पढ़ना पसंद है जो उनको आसानी से याद हो जाता है जो उनको आसानी से याद हो जाता है केवल वही पढ़ते हैं बाकी छोड़ देते हैं उनको लगता है वो या तो ये सोच लेते हैं कि ये नहीं आएगा या तो वो ये सोच लेते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये मेरे से याद नहीं होगा एक दूसरे प्रकार के छात्र होते हैं जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई चीज आसान है या टफ है उनको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि मुझे सिलेक्शन लेना है एंड आई तो मैं इसे याद करूंगा चाहे है ना कितना भी कठिन हो कितना भी मुश्किल हो ठीक है ना अब आप समझिए कि आपको किस कैटेगरी में रहना है ये बताइए शरीर की क्रियात्मक प्रक्रम से संबंधित जैसे प्रोटीन संश्लेषण तो आप जानते ही हैं कि राइबोसोम का काम है प्रकाश संश्लेषण भी आप जानते हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण में किसका महत्व है भाई देखिए प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है तो ये आपका हरित लवक में हो जाता है तो कम से कम दो आपको पता है तो ए को दो से मिलाइए और डी को चार से मिलाइए किसको डी को चार से मिलाइए तो ये आंसर यहां पर मिल जाता है काम खत्म हो जाता है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ये बताइएगा जरा सभी के पास आंसर होगा कि आर्थिक विकास की किस प्रणाली में आर्थिक स्थिरता बनी, बनी रहती है भैया आर्थिक विकास की किस प्रणाली में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है जरा ध्यान दीजिएगा पूंजीवादी प्रणाली जो है इसको ये वो क्षेत्र है है ना वो अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राइवेट सेक्टर ज्यादातर पाया जाता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट सेक्टर का है ना वजूद होता है महत्व होता है उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं और जिसमें केवल सरकारी क्षेत्र का वजूद होता है सरकारी क्षेत्र होता है सरकारी नियंत्रण होता है है ना उत्पादन के विभिन्न साधनों पर जब सरकारी नियंत्रण होगा तो उसको क्या कहते हैं उसको साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था कहते हैं क्या कहते हैं समाजवादी व्यवस्था कहते हैं ठीक है लेकिन अगर दोनों हो मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट करें तो उसको मिश्रित आर्थिक प्रणाली कहते हैं लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है केंद्रीय नियोजित प्रणाली तो केंद्र के द्वारा अगर कंट्रोल की जा रही है प्रणाली तो वो आर्थिक विकास की प्रणाली कैसी होगी स्थिर बनी रहेगी क्योंकि वो केंद्र नियंत्रित कर रहा है ना बाजार उसको नियंत्रित नहीं कर रहा है समझ रहे हैं ना अब इसको याद करके रखना कि भैया पूंजीवाद का मतलब है प्राइवेट सेक्टर का होना मिस और ये समाजवादी का मतलब है सरकारी का होना और मिश्रित का मतलब है दोनों का होना कई बार पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों तो याद रखिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है ठीक है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है मिश्रित है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है ठीक है और भाई जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो चाइना और रशिया की है ठीक है ना चलिए देखिएगा बिल्कुल जोरदार कमेंट आने चाहिए निम्नलिखित में से किस एक ने भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करते हुए इसे एवं पागलपन भरा कार्य कहा था तो राइट आंसर है भैया भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ के विरोध में कौन लोग थे या में कौन कौन लोग थे जो इसके विरोध में था या फिर कह सकते हैं कि मैं शामिल नहीं हुए मैं शामिल नहीं हुए या सीधे सीधे विरोध में कह लीजिए कौन कौन विरोध में था तो देखिए अंबेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में थे और भाई आप देखेंगे तो भाई और कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग पार्टी भी विरोध में ही थी ठीक है और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हिंदू महासभा भी विरोध में ही थी हिंदू महासभा भी विरोध में ही थी और तो और आरएसएस भी इसके विरोध में ही थी ठीके? बिल्कुल आर एस एस भी इसके विरोध में ही थी और आज जो आपको यहां पर पंजाब में अकाली दल दिखता है ये भी इसके विरोध में ही था, ना तो, तो आंदोलन का समर्थन इन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया और दीजिएगा बताना है कि निम्नलिखित पर्वत सिखर वैसे दरअसल क्या था ना कि भारत छोड़ो आंदोलन उन्नीस के दरमियान भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों की वायसराय की कार्यकारिणी में एक कानूनी सदस्य के रूप में शामिल थे ठीक है ना चलिए ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा देखिए सबसे ऊंचा की बात करते हैं तो पहले नंबर पर क्या आता है पहले नंबर पर दोस्तों माउंट एवरेस्ट आता है क्या आता है माउंट एवरेस्ट आता है दूसरे दूसरे नंबर नंबर पर पर क्या आता है दूसरे नंबर पर आपका सीधा सीधा आता है तीसरे नंबर पर कंचनजंगा आता है तो कम से कम आपको यह पता है दो एक तीन चार ये हो जाएगा तो दो एक तीन चार अब इसमें आपको यह पता है कि कंचनजंगा कहां पर है कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम में है कंचनजंगा कहां पर है कंचनजंगा आप देखेंगे सिक्किम में है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है

पश्चिम बंगाल नंबर एक पर है और नंबर दो पर कौन है नंबर दो पर गुजरात है इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा तो 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 गुजरात में है और उस आधार पर गुजरात आंसर दे देते हैं गड़बड़ हो जाता है सुमेलित करना है पड़ोसी देश और सीमा की लंबाई किलोमीटर में क्या स्थिति है तो देखिएगा हम जानते हैं कि इसमें एक ट्रिक है क्या भैया कि बचपन में एमबीए किया और ये ट्रिक इतनी शानदार है है ना सबसे बड़ी चीज कि भैया ये ट्रिक इस मामले में शानदार है कि भारत की सबसे ज्यादा लंबाई किसके साथ लगती है बांग्लादेश के साथ तो वो पहले नंबर पर है बी ए बांग्लादेश उसके बाद दूसरी सबसे लंबी सीमा चाइना के साथ तीसरी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ ठीक है चौथी सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ उसके बाद भैया म्यांमार के साथ इसके बाद भूटान के साथ किसके साथ भूटान के साथ और उसके बाद लास्ट में अफगानिस्तान के साथ तो अगर आपको ये नहीं याद है कि किसके साथ कितने किलोमीटर लगती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं क्योंकि अगर आप ट्रिक में देखें तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगती है तो बांग्लादेश तो है नहीं विकल्प में दूसरे नंबर पर चाइना है और यहां चाइना है यहां सबसे ज्यादा वाले से मिला दो इसको सबसे ज्यादा वाले से मिला दो तो ए को किसने मिला दिया चार से और यहां पर आप देखो केवल एक ही विकल्प है काम खत्म हो गया समझ गया ना इस बात का विशेष रूप से याद रखना है ठीक है ना चलिए ये देखो भैया बिल्कुल देखो क्वेश्चन है जब पकड़ में आता है ना तो बहुत आसान लगता है और लगता है वाह मजा आ गया मेरी तैयारी तो जबरदस्त है अरे वाह क्या बात है ये तीन सौ जोरदार तरीके से करेंगे और तेहरा शतक पूरा करके दिखाएंगे मुल्तान का सुल्तान बनना है वीरेंद्र सहवाग की तरह चलिए फटाफट बताएंगे भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है भाई जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी तो 1875 ईस्वी में जो हुई थी वो बंबई स्टॉक एक्सचेंज था कौन सा बंबई स्टॉक एक्सचेंज था अब आप देखेंगे तो बंबई में एक और स्टॉक एक्सचेंज है कौन सा एक और स्टौ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कौन सा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना कब हुई 1992 में हुई कब हुई थी 1992 में हुई थी ये बताइएगा बताना है आपको क्या कि व्यापार और आर्थिक संबंध समिति किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गठित करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है तो चलिएगा सभी के पास आंसर होना चाहिए किसकी स्थापना कब हुई थी हां भाई कौन बता रहा है तो भैया 3 मई 2005 3 मई अब आप देखेंगे तो तीन मई दो हजार पांच को इसकी जो स्थापना हुई है तो इसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं इसके अलावा सदस्यों में वित्त मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्री विदेश मंत्री ठीक है उपाध्यक्ष योजना आयोग अध्यक्ष मतलब बहुत सारे होते हैं लेकिन इतना आपको याद नहीं करना है बस इतना याद कर लीजिए कि ये जो व्यापार और आर्थिक संबंध समिति है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तीन मई दो हजार पांच को इसकी स्थापना हुई थी ठीक है चलिए ध्यान दीजिए हाल ही में ट्राई की रिपोर्ट आई थे ट्राई जानते हैं ट्राई का मतलब भाई ट्राई का मतलब हो गया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है ना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ आथ इंडिया तो ये जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ आथ इंडिया है इसके अनुसार बिहार का जो टेली डेंसिटी है वो कितना है 55.23% 55.23% है और याद रखिएगा टेली डेंसिटी का मतलब समझ रहे हैं है ना घनत्व का मतलब समझ रहे हैं यहां पर तो बिहार में दूर संचार घनत्व का मतलब हो गया कि बिहार में कितने लोगों के पास क्या है बिहार में कितने लोगों के पास मोबाइल है मोबाइल कनेक्शन है ठीक है ना ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आप देखेंगे कि इसका मतलब यह है कि बिहार में लगभग पचपन प्रतिशत लोगों के पास मोबाइल कनेक्शन है मतलब सौ में से पचपन लोगों के पास बाकी लोगों के पास नहीं है ठीक है और सर्वाधिक कहां पर है भैया ये तो मिनिमम हो गया तो सर्वाधिक कहां पर है दिल्ली में है दिल्ली में करीबन आप देखेंगे तो 150 प्लस तो दो परसेंट आसपास है ना तो दिल्ली में जहां दो परसेंट इसका मतलब दिल्ली में एक व्यक्ति के पास तीन तीन मोबाइल है लगभग ठीक है ना चलिए एटीएम किसके लिए संकेताक्षर है भैया एटीएम किसके लिए संकेताक्षर है एटीएम का फुल फॉर्म बताना है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या है ऑटोमेटेड टेलर मशीन बिहार के किस जिले में इकलौता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल है यहां इजरायली तकनीक पर आधारित हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है चलिएगा बताएंगे सभी लोग जरा जोरदार तरीके से भैया हां कहां पर है नालंदा में कहां पर दोस्तों नालंदा में नालंदा वही है जहां पर आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय भी स्थित है इसकी स्थापना कभी किसके द्वारा की गई थी तो यह कभी की गई थी किसके द्वारा प्रथम के द्वारा ठीक है ना तो टेलीग्राम का लिंक टेलीग्राम का जो लिंक है वो यहां पर पिन है कमेंट बॉक्स में तो कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक पिन है आप वहां पर क्लिक करके जा सकते हैं ठीक है ना तो बिल्कुल आप देखेंगे और बाकी अगर आप टेलीग्राम के लिंक की बात अगर ऐसे सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं क्या विशाल सर एमडी क्लासेस ठीक है ना हाँ आप इसको सीधा सीधा सर्च कर सकते हैं या तो फिर आप ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं एम क्लासेस ऑफिशियल क्या भैया एमडी क्लासेस ऑफिशियल तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं चलिए दोनों में से किसी भी टेलीग्राम पर जाए चलिए क्या बात है भैया सोहेल जी जबरदस्त सोहेल सिद्दीकी जी ने ये फोर्टी रुपीज का है ना एक तरह से डोनेशन किया है चलिए तो ध्यान दीजिएगा भारत में पारिस्थितिकी की सरकारों पारिस, कानूनों के देखिए इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो आप जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उन्नीस में पास हुआ था हुआ था कि नहीं ठीक है इसी प्रकार से आप देखेंगे वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं तो ये दोस्तों आया था वन्य जीव संरक्षण कब उन्नीस में कब तो आप देखिए ना ए को चार से मिलाइए तो यहां पर यही आंसर हो गया और बी को किससे मिलाना तीन से तो काम ही खत्म हो गया और इस तरह के क्वेश्चन लगातार बनते हैं और आप सब जानते हैं कि इसी प्रकार से होता क्या है कि ये सारे के सारे एक जगह पर याद करना जरूरी है जैसे एक है क्या एक है भारतीय वन अधिनियम क्या है भैया एक है भारतीय वन अधिनियम जो कि वर्ष उन्नीस में पास हुआ था ऐसे ही क्या है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो की बात करते हैं तो वन संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था यह वर्ष उन्नीस अस्सी में पास हुआ था है ना और इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था तो भैया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास हुआ था वर्ष उन्नीस सौ छियासी में वर्ष उन्नीस में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम और क्या, क्या? या? जैव विविधता जै एवं जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो जो जैव विविधता अधिनियम है यह कब पास हुआ था तो जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो यह दो हजार दो में पास हुआ था कब 2002 में है ना और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो भैया एनजीटी एक्ट जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था 2010 में देखो अब आप सोच सर यही सारे अधिनियम इसलिए बता रहे हैं तो है। हाँ। है क्योंकि ये वो अधिनियम है जो पर्यावरण से संबंधित है ठीक है ना किससे पर्यावरण से संबंधित है और याद रहे कि एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं आजकल के पेपर में क्योंकि पर्यावरण आजकल के दुनिया की आजकल के समय की सबसे बड़ी चुनौती है ठीक है जरा ध्यान दीजिएगा ठीक बताना है क्या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने किसे भारतीय आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है भैया तो एम एस स्वामीनाथन को कहा है ये वही एम एस स्वामीनाथन है जो भारत में हरित क्रांति के जनक भी हैं है, है कि नहीं है ये हरित क्रांति के जनक भी हैं आप जानते होंगे और इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन जो है ना इनके द्वारा ये जो सदाबहार क्रांति शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था So, सदाबहार क्रांति वाला जो मामला है वो इन्होंने ही सबसे पहले दिया सदाबहार क्रांति ठीक है और साथ में याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना उन्नीस जून बहत्तर को हुई थी कहां पर इसका हेड ऑफिस स्थित स्थित है है तो में है। जो कि कहां पर पड़ता है केन्या में पड़ता है ठीक है कहां पर पड़ता है केन्या में चलिए सुमेलित करना है आराम से बता लेंगे जैसे काबरताल झील तो आपको पता ही होगा कि कहां पर स्थित है बेगूसराय में कहां पर स्थित है तो भैया बेगूसराय में ये स्थित है कहां पर स्थित है बेगूसराय में ये स्थित है और इसका मतलब है कि बिहार से रिलेट करेंगे तो डी को एक से मिलाना है तो कम से कम क्या हुआ आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए दोनों को हटा दो इसके बाद आप देखिए जैसे केशवपुर मियानी है तो आपको याद होना चाहिए पंजाब में पार्वती अर्गा वैसे उत्तर प्रदेश में है ठीक है तो आप देखेंगे तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या निकल कर आ जाता है राइट आंसर निकल कर आ जाता है ए ठीक है ना चलिए ये बताइएगा जरा सभी लोगों के पास आंसर आना चाहिए क्या बात है भाई सोहेल सिद्दीकी जी ने सौ रुपए का सुपर चैट है ना एमडी क्लासेस को डोनेट किया है क्या बात है जबरदस्त भैया आज तो एकदम बिल्कुल सोहेल बाबू छा गए हार्न ऑफ अफ्रीका किसको कहते हैं भैया जरा ध्यान दीजिएगा अगर हम हार्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं दोस्तों हार्न ऑफ अफ्रीका कई लोग सोच रहे होंगे सुपर चैट होता क्या है गूगल करिएगा दोस्त पता चलेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम बताएंगे तो कहो गुरु जी क्या बात है कुछ अलग इरादा है क्या तो भैया देखो

और जैसे क्या हो गया जीबूती हो गया क्या जीबूती ठीक है ना तो बस ठीक है अब इसमें आप खोजिए कि भाई ये तो होगा नहीं ये तो होगा नहीं और यही है आंसर ठीक है ना यही है आंसर ठीक है है देखिए क्या क्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका का मतलब हो हो गया भाई की सींग हो गया भाई की क्यों भैया अरविंद कुछ और समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे चले भैया तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब हो गया अफ्रीका की सिंग ये देखिए अफ्रीका की सिंग है कौन कौन से इसमें आते हैं तो ये जो ब्लू कलर जहां तक दिख रहा है केवल इतना ही ठीक है ना चलिए ये बताइए जरा भैया आत्मकथा और खिलाड़ी आराम से बता लेंगे ठीक बताएंगे तो देखिएगा प्लेइंग इट माई वे तो आपको पता ही है ठीक है <laughs> प्लेइंग इट माई वे आपको पता है गोल मेजर ध्यानचंद जी का है गोल्डन हैट्रिक बलबीर सिंह का है और माई साइड डेविड बेकाम का है तो राइट आंसर क्या है एक दो तीन चार क्या भैया एक दो तीन चार ठीक तो कोई ऐसी डाउट वाली बात नहीं भारत में बाघ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है तो भारत में बाघ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो यह है भैया कौन सा नागार्जुन सागर श्री सैलम कौन सा है नागार्जुन सागर श्री सैलम कहां पर स्थित है दोस्त तो ये स्थित है आपका आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पर कहां पर स्थित है आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है ठीक है ना आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है पेज कहां पर है मध्य प्रदेश में है जिम कार्बेट कहां पर है उत्तराखंड में है मानस कहां पर है आसम में है ठीक है ना अच्छा पहला कौन सा था तो भैया पहला जो बाघ अभयारण्य था पहला जो टाइगर रिजर्व था भारत का वो कौन सा था कार्बेट ठीक है ना पहला वाला जो था कौन सा था कार्बेट था और आप देखेंगे तो हाल ही में तिरपनवा कौन सा हो गया है तो तिरपनवा जो हुआ है वो है आपका कौन सा रानीपुर टाइगर रिजर्व कौन सा रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश में और चौंगनवा कौन सा है भैया तो चौंगनवा गुरु घासीदास है और गुरु घासीदास कहां पर स्थित है तो गुरु घासीदास स्थित है छत्तीसगढ़ में कहां पर स्थित है छत्तीसगढ़ में चलिए ये बताइए जरा और बिहार में तो एक ही है टाइगर रिजर्व आपको बता ही चुके हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अठारह तो के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी तो भैया सर्वाधिक संख्या अवध से थी गंगा के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती हुई आकर पटना के निकट पाटलिपुत्र के निकट गंगा में मिल जाती है तो सोन नदी दोस्तों यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन बंद कर दे तो क्या होगा यदि पृथ्वी अपने, अपने अक्ष पर घूर्णन बंद कर दे भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तभी तो दिन और रात होते हैं तो वर्तमान की भांति दिन रात नहीं होंगे दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि दी गई है तो भाई हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है आमिर खुसरो को आप देखिए इन्होंने तबला का आविष्कार किया ठीक है इन्होंने भैया और किसका सितार का आविष्कार किया इसके अलावा ये हिंदी खड़ी बोली के जनक हैं हिंदी खड़ी बोली के जनक हैं ठीक है थीके? तो कई सारी चीजें हैं इसके अलावा इन्होंने सात सुल्तानों का शासन काल देखा फुतह नाम की किताब लिखी इसके अलावा इन्होंने और कौन सी किताब लिखी याद करिए तुगलकनामा चलिए ये बताइएगा किस देश ने सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया था फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन को इतने पहले अपना लिया था उसके बाद ये हाल है भारत बताओ यार उन्नीस में हम लोगों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया था तब भी हम इस समय दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं ना अपनाया होता तो हमें लगता है कि देश की आधी आबादी समंदर में मचाना बना के रह रही होती चले भारत में नगरीकरण से क्या हुआ है भैया तो भारत में नगरीकरण से क्या हुआ है तो भैया जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी है कैसे जब नगरीकरण जब न, नगरों में रहने वाले जो लोग होते हैं एक तो इतना फुर्सत में नहीं रहते ठीक है ना तो जो नगरों में रहने वाले लोग होते हैं वो इतना फुर्सत में रहते हमेशा बिजी रहते हैं तो जन्म दर कैसे बढ़े ठीक है और दूसरी चीज ये है कि नगरी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो थोड़ा सा अवेयर ज्यादा होते हैं हैं अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है उससे भी जुड़े रहते हैं. फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड चीजें कर लेते हैं नजदीक अस्पताल होता है डॉक्टर्स होते हैं खुलकर बातें कर लेते हैं मिल लेते हैं देख लेते हैं जान लेते हैं गांव में तो किसी से बात कर लो मार्ग भगा देगा दूसरे गांव कर देगा ठीक है ना तो वही चीज है मृत्यु दर जो है जाहिर सी बात है भैया नगरों में जो है सुविधाएं ज्यादा है तो मृत्यु दर भी कम है ठीक है ना हाँ क्योंकि जैसे बीमार हुआ तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए ठीक है ना यह मालूम है तो गए सामने वाले मेडिकल से भैया पैरासिटामॉल लाख खा लिए ठीक है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट क्या है ठीक है क्या है ये कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये क्या है घोड़ों के नाम तो नहीं है ये. तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो है ये क्या है मॉडिफायर कुंजियां हैं क्या है मॉडिफायर कुंजियां आप कहेंगे सर ई e का होता है अरे मॉडिफायर कुंजी का मतलब हो गया कि जैसे समझिए जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर चलाते हैं और आपको कॉपी करना है तो आपने कंट्रोल दबाया और सी दबाया कॉपी हो गया ठीक है हाँ इसी प्रकार से, से पेस्ट करना है तो कंट्रोल दबाया और वी दबाया पेस्ट हो गया ठीक है ऐसे ही तो ये मोडिफायर कुंजिया है इनका यूज इनके इनको दबाकर कोई और बटन यूज करते हैं तो कुछ खास स्पेशल हो जाता है शानदार हो जाता है तो अब अगली क्लास साइंस की है तैयार हो जाइए अब शेख सर बिल्कुल मैदान में है आप सभी के सम्मान में है और जबरदस्त तरीके से क्लास होने वाली है अगले एक घंटे साइंस के साथ भी जुड़ेंगे एकदम महातांडो स्पेशल जबरदस्त तरीके से क्या बात है भैया एकदम जबरदस्त क्या बात है भैया सोहेल सिद्दीकी जी तो आज एकदम बिल्कुल मुजफ्फरपुर से छा गए हैं मुजफ्फरपुर से सोहेल सिद्दीकी जी ने लगातार एक बार फिर से एकदम दन। ये इनका आज तीसरा या चौथा जो है सुपर चैट है और कुल मिलाकर अभी तक ये टू हंड्रेड रुपीज का जो है सुपर चैट दे चुके हैं टू अच्छा टू फोर्टी का टू फोर्टी का जो है सुपर चैट ये दे चुके हैं भैया एमडी क्लासेस को बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत शानदार भैया बहुत बहुत शुक्रिया इसी प्रकार से बिल्कुल है ना हौसला बढ़ाते रहे टीम का टीम का हौसला जैसे क्या है कि यूट्यूब पर तो हम लोग बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं ये सुपर चैट वाला मामला जो है कहीं ना कहीं बच्चों को जिसको लगता है कि हाँ आ, भाई मेहनत कर रहे हैं अध्यापक लोग पूरी टीम मेहनत कर रही है यहाँ तो देखिए लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं सुपर चैट तो बहुत दूर की बात है।, <laughs> है ना तो कम से कम भाई लोग ऐसा है जाने दो सुपर चैट वगैरह नहीं चाहिए बस यह है कि लाइक वाइक वाला बटन दबा दिया करो अपन लोग लाइक से ही खुश रहेंगे लाइक like, देखो लाइक like के लिए क्यों कहते हैं पता है क्योंकि लाइक like से पूरी टीम को मोटिवेशन आता है बाकी यहां पर आप संख्या में ही तो हैं सब नंबर ही तो हैं जिसको देखकर मोटिवेट होते हैं और पढ़ाते हैं अब अगला मोटिवेशन जो है अभिषेक सर की तरफ से तरफ से से लीजिए मेरी गुड नाइट अभी तो दूसरी भी क्लास है आप जी हमारी दूसरी चलिए भैया क्लास जारी रहेगी और याद रखिएगा कि महातांडव की ये सीरीज जिसमें विशाल सर शुरुआत करते हैं पूरा जीके जीएस यानी 45 नंबर के साथ और दूसरी क्लास तीस नंबर यानी सिलेक्शन अगर बिहार पुलिस में वर्दी की है अगर इच्छा है तो भाई यही क्लास आपके लिए है तो चलिए भाई बेहतरीन और शानदार से व्यक्तित्व के साथ आपने एक बेहतरीन और प्यारी सी क्लास की है जबरदस्त सी क्लास की है जय हिंद सभी को और सर के लिए एक बार सभी क्लैपिंग कर देंगे जबरदस्त एनर्जी के साथ सर क्लास पढ़ाते हैं मजा तो आ ही जाता है पढ़ के अब लेकर चलते हैं हम साइंस के तरफ और बेहतरीन क्लास को आगे बढ़ाते हैं सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कल तक हम लोग यही क्लास दिन में पढ़ते थे और आज से ये महातांडव सावन का सोमवार है और भैया हर हर महादेव के ध्वनि के साथ उद्घोष के साथ शुरुआत करते भाई चलिए शुरुआत करते आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं पूछा है महासागर में छ जाना है भाई एक भी हाथ रुकने नहीं चाहिए एक बात वादा कर लेना जितने देख रहे हो सभी का रिप्लाई आना चाहिए चाहे सही हो या गलत हो पूछा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए अगर ऊंचाई पर स्थित कोई वस्तु हो ऊंचाई पर वायुयान जा रहा हो या किसी प्रकार की और कोई चीज जा रही हो तो रडार का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब समुद्र की गहराई में हो तो सोनार का इस्तेमाल करते हैं और सुनो जब विभव नापना हो तो गैलवानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं सॉरी यहां पर जब ध्वनि नापनी हो तो आपको ऑडियो और याद रखिएगा कि गैल्वानोमीटर धारा अल्प धारा मापता है अल्प धारा मापता है सेक्सटेंट जो है यह कोड़ नापता है यह क्या मापता है कोड को मापता है क्लियर याद रहेगा बिल्कुल यहां पर नेक्स्ट सवाल आया हुआ है और एकदम धुआधार तरीके से देखिएगा इसका जवाब क्या होने वाला है बिल्कुल क्या हो गया साउंड नहीं आ रहा है अच्छा सोनार आप बोल रहे हैं मुझे साउंड दिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है चार ऑप्शन एक जवाब बिल्कुल बोलिए पूछा है सेल्सियस को ताप में आप जानते हैं डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है सीधी सी बात ये वाला चेंजिंग करने वाला फार्मूला भूले तो नहीं बिहार वालों इससे एक क्वेश्चन उठा लेना अक्सर उठाता है ठीक ना सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड में फारेनहाइट में सेल्सियस और फारेनहाइट में किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है ये भी सही है आर एच गुड़ाक जो है रक्त से रिक्टर पैमाना आद्रता से नहीं है भूकंप से है किससे है भैया भूकंप से तो सही जवाब इसका क्या होगा डी होगा डी होगा डी होगा डी होगा भाई सी में कहा खोए हुए हो विद्युत ऊर्जा वो ऊर्जा छूट गया है हमारे टाइपिंग वाले भाई साहब जो है ना बिल्कुल एकदम मजे में होंगे अभी तो सो रहे होंगे लेकिन वही इन्होंने टाइप किया होगा तो वो वहां ऊर्जा हटा लिया है शायद उनकी ऊर्जा कम हुई होगी पूछा है पदार्थ के ये देखो क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है कौन जवाब देगा पूछा है संवेग और वेग के अनुपात में दोस्त ऊपर संवेग है नीचे वेग है संवेग का फॉर्मूला मास इनटू टू अपन वी वी से वी काट दो क्या बचा एम एम मतलब द्रव्यमान बोलो भाई हर हर महादेव क्लियर हुआ कि नहीं द्रव्यमान बिल्कुल ऐसे सवाल बने तो कैसे जवाब दोगे आप जानते हो टू मोशन की बात करें एक पत्थर उठा के फेंके अरे भाई बगल के घर बगल के बगीचे में आम तोड़ने गए होंगे जहां दोस्तों के साथ देखा होगा कि सबसे दूर पत्थर कौन फेंकता है तो सबसे दूर पत्थर फेंकने का जो बाजी लगाई होगी उसमें 45 डिग्री का कोण अगर पता होता तो आपको पता होता कि सबसे दूर आपका पत्थर जाएगा एक बात और जानते हैं पैंतालीस डिग्री पर लेकिन साठ डिग्री और तीस डिग्री पर समान दूर जाएगा और 75 डिग्री पर और पंद्रह डिग्री पर इस पर भी समान दूर जाएगा इन दोनों पर दूरी समान होगी ऊंचाई अलग होगी लेकिन दूरी समान होगी याद रखिएगा वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन बनाने की कौन सी विधि है अपोहन है विसरण है अपकेंद्रण है देखिए अपोहन की विधि कोलाइडी बिलियन के लिए इस्तेमाल की जाती है विसरण की विधि आप जानते हैं विसरण के लिए फॉर्मूला होता है रेट क्या होता है घनत्व के वर्गमूल के व्युक्रमानुपाति होती है जबकि रिवर्स जो होता है जानते हैं जल के शुद्धिकरण के लिए अपकेंद्रण की विधि लगाई जाती है किसके लिए भाई वॉशिंग मशीन जब कपड़े को धुलता है तो जो भारी चीजें होती है उसको बाहर फेंकता है और इसी विधि से हम कपड़े को धुलते हैं वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन बनाने के लिए इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछ दे प्रभाजी आसवन प्रभाजी आसवन पूछेगा तो क्या जवाब दोगे आप जानते हो कच्चा तेल से क्या निकालते हैं कच्चा तेल से डीजल पेट्रोल निकालते हैं यहां से डीजल हो गया पेट्रोल हो गया सीएनजी हो गया केरोसिन हो गया वैसलीन हो गया ठीक ना ये सारी चीजें यहां से निकाली जाती है ठीक ना प्रभाजी आसवन की तकनीक से यहां पर पूछा है प्रछेप पथ में कड़ का वेग होगा प्रछेपे पथ में कड़ का वेग किसके लंबवत होगा ये देख लीजिए एक गेंद को हमने यहाँ फेंका है तो यहां पर फेंकने के बाद आप जानते हैं ये ऊर्ध्वाधर है ये क्षैतिज है, है तो यहां पर पूछे त्वरण के लंबवत कभी नहीं होगा त्वरण हमेशा गुरुत्वित त्वरण लगता है हमेशा त्वरण कौन सा लगता है गुरुत्वित त्वरण हमेशा गुरुत्वित त्वरण लगता है और तो यहां पर वेग देखिए कैसा लगेगा वेग यहां पर ऐसे 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 तो वेग के साथ कैसा होगा एक ऐसा समय है जिसके लिए लंबवत हो जाएगा एक छड़ के लिए लंबवत हो जाएगा सी ऑप्शन जिसने चुना है बेहतर चुना है, है एक छड़ के लिए लंबवत होगा। पूछा यह सवाल क्वेश्चन नंबर सात छाप दो भाई सही जवाब क्या होगा पूछा है द्रव बुद्ध की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं पानी की एक बुध अपने आप को छोटा पृष्ठ घेरती है कौन सा गुड़ है श्यांता तो गाढ़ापन श्यांता जैसे हम सहद की बात करते हैं तो सहद की श्यांता ज्यादा होती है यानी जिसका घनत्व तो ज्यादा उसकी श्यांता भी ज्यादा होती है तो भैया हाँ बिल्कुल जब आग लगी हो सीने में तभी मजा है जीने में अगर वर्दी पाने की इच्छा होगी थोड़ा देर रुकना तांडव देखना क्या है पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला है फोर्स पान लेंथ यहां पर सही जवाब क्या है पृष्ठ तनाव किसी भी वस्तु के पास ऐसा पृष्ठ तनाव होता है जिस वजह से वह अपने आयतन को अपने क्या करता है छोटा मैंने वो चाहता है कि ऐसा पृष्ठ तनाव हो जिससे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाए बारिश की बूंदे गोल हो जाती है पृथ्वी का आकार गोल हो जाता है सूर्य का आकार गोल हो जाता है ये एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आने की संभावना प्रबल है इस सवाल की इस सवाल के आने की संभावना प्रबल है वजह क्या है क्योंकि ऐसा सवाल उसने पूछा है क्या पूछा है यंग प्रत्यास्था गुणांक वाई से डिनोट करते हैं ऊपर प्रतिबल लिखते हैं और नीचे विकृति लिखते हैं प्रतिबल और विकृति लिखते हैं बीच में अनुपात है प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई और यहां पर याद रखिएगा नीचे कोई मात्रक नहीं होता ऊपर ही मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको ओपन करते हैं न्यूटन को तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर देख लो तो यहां पर आ जाएगा मीटर क्यूब किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर आंसर नंबर डी बोलो भाई हर हर महादेव क्लियर हुआ चलिए बहुत बढ़िया अगर क्लियर है तो इस सवाल का जवाब दो इसमें तो फंस जाओगे सोचोगे हुक के नियम किससे संबंधित है द्रव के दाब से रेडियो धर्मिता से प्रत्यास्था से किससे संबंधित है का नियम किससे संबंधित है भाई हाँ बताइए किससे संबंधित है हुक का नियम? प्रत्यास्था से कि द्रव के दाब से कि रेडियो देखिए रेडियो धर्मिता की खोज आप जानते हैं बेकुरल ने की थी और बेकुरल एक मात्रक भी है बिल्कुल यहां पर सही जवाब प्रत्यास्था है हुक का नियम किसके साथ जुड़ा हुआ है प्रत्यास्था के साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल क्लियर है हुक का नियम किसके साथ जुड़ा हुआ है प्रत्यास्था के साथ जुड़ा हुआ है क्लियर याद रखिएगा किसके साथ जुड़ा हुआ है प्रत्यास्था के साथ भी पूछा है जब कोई हाँ एक और सवाल देखिएगा जब कोई बाह्य बल न, न लगा हो तब तो द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है आप जानते हैं कोई बिना बाह्य बल पर बाह्य बल के एक द्रव की बूंद कैसे गोल हो जाती है तो एक कहानी है क्या पृष्ठ तनाव के कारण लेकिन घनत्व की बात करें तो चार डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होगा बता दीजिए चार डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होगा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा चार डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वही बात है आग लगी है सीने में तभी मजा है जीने बिल्कुल जब लगा है कि वर्दी हाथ में लेकर पहली बार पहन के सैल्यूट दागेंगे ना उस समय जो फीलिंग आएगी माँ बाप के सामने जब पहुंचेंगे उस समय जो गदर मचेगा ना वो गदर होगा कमाल का तो कैसे गदर मचाओगे भाई जवाब दो मिनिमम चार डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या तो होता है मैक्सिमम होता है मैक्सिमम घन तो होता है याद रखिएगा चार डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत् तो मैक्सिम होता है और इसी चार डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम होता है आयतन न्यूनतम होता है तो डेंसिटी मैक्सिमम होती है और वॉल्यूम मिनिमम होता है दोनों के बारे में याद रखिएगा नेक्स्ट सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए और सही कथन पूछा है ठोसों का गलनांक निश्चित होता है सुनिएगा द्रवों का हिमांक एवं घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है गैसों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है उपयुक्त सभी क्या होने वाला है यहां पर सही जवाब चुनिएगा निम्नलिखित में से सही कथन क्या है ठोसों का गलनांक निश्चित होता है द्रवों का हिमांक और घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है ये दोनों बात सही है गैसों का क्रांतिक ताम निश्चित होता है तो यहां पर सही जवाब डी होगा बिल्कुल चुन लिया है आपने क्या बात है यहां पर पूछा है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक होती है अच्छा क्लास में जब स्कूल में पढ़ते थे आप लोग तो उस आवाज के लिए कौन सुनता था डांट लड़कियों को कहा जाता था ना कि भैया बहुत ज्यादा बोलती हैं बहुत ज्यादा कि हमेशा बातें करते रहती हैं यहां तक कह दिया गया कि महिलाओं को कि भैया आठवां जुबा है कि दो महिला एक साथ रहे और बात ना करे सुना है कि नहीं आप लोगों ने अगर सुना है तो यस बोलो यार सुना है कि दो महिलाएं एक पास रहे और आठवां अजूबा है कि अगर बात ना करें लेकिन बात यह है कि महिलाएं आज वही महिलाएं बिल्कुल चांद तारों को छू रही हैं और पूरी तरह से अपने जीवन में परचम फहरा रही हैं। सही जवाब क्या है तीव्रता अगर मेल की आवाज में हम कहें तो मेल के पास पिच जो होता है लो होता है पिच का मतलब होती है तीव्रता जो होती है तीव्रता कह रहे आवृत्ति जो होती है लो होती है एक मिनट एक मिनट तीव्रता नहीं होगी तो होगा सॉरी अधिक होती है ठीक है पिच मेल में लो होती है लाउडनेस जो होती है ना लाउडनेस मेल में ज्यादा क्या होता है लाउडनेस मैक्सिमम होता है हाई होता है ठीक ना और फीमेल की बात करें तो फीमेल में पिच क्या होता है तो फीमेल में पिच हाई होता है और लाउडनेस कम होता है इनकी आवाज में भारीपन होता ही नहीं है भारीपन तो मेल की आवाज में होता है मेल की आवाज की तारीफ कभी सुनिएगा लोग कहते हैं फटे हुए बांस के जैसे यहां पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक होती है क्या तारत्व तो सुना है ना कि महिलाओं की आवाज की अपेक्षा पुरुषों की आवाज एकदम कौवे जैसी होती है सुने है ना कितना बढ़िया आवाज होता है यार चलिए यहां पर एक सवाल पूछा है हाँ अरे यार जीवन है थोड़ा हंस लिया जाए और क्या है पीडीएफ कहा मिलेगा देखिए पीडीएफ आप विशाल सर के एक चैनल पर चले जाए मेरे चैनल पर चले जाए या रेलवे इसी के आप जानते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के चैनल पर चले जाए कहीं मिल जाएगा विशाल सर एमडी क्लासेज, क्लासेज या बिहार पुलिस कांस्टेबल एमडी क्लासेज किसी चैनल पर चले जाएंगे मिल जाएगा पूछा यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि की भेद में अंतर का कारण क्या है यदि सितार बांसुरी पर एक ही ध्वनि बजाई जाए तो क्या होगा उसके अंतर का कारण हाँ, बोलिए इसका सही जवाब चुनिए कि क्या होने वाला है एक ही ध्वनि बजाई जाए तो उसका अंतर क्या होगा क्या होगा उसके अंतर का कारण देखिएगा आप जानते हैं गुड़ता एक होता है क्वालिटी फैक्टर गुड़ता का मतलब होता है जिसकी आवाज सुरीली होती है उसका क्यू हाई होता है उसका क्यू क्या होता है हाई होता है तो गुड़ता जो होती है ना वही बताती है किसी की आवाज कैसी है तारत्व तो प्रबलता गुड़ता तीनों नहीं केवल और केवल गुड़ता बताएगी कि उस आवाज की मिठास क्या है वही किसी दो सेम फ्रिक्वेंसी एक ही स्वर का मतलब जानते हैं ना सेम फ्रिक्वेंसी की ध्वनि में अंतर बताने का काम गुड़ता करेगी और क्वेश्चन नंबर चौदह में सौ डेसिबल की प्रबलता का स्तर किससे देखिए सामान्य आवाज जो होती है ना जो हम आपसे बात करते हैं वो 20-25 की डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा अधिक से अधिक 30 डेसिबल तक होगा सुनाई भर देने वाली आवाज जो होती है पंद्रह से बीस डेसिबल की है तो सबसे ज्यादा आवाज किसकी है यंत्र करखाने की सौ डेसिबल सौ डेसिबल सोचिए एकदम बड़ा शोर होता है यंत्र करखाने से जो शोर निकलता है सौ डेसिबल के करीब है और ये फिजिक्स का एक सवाल देखिएगा इस सवाल का जवाब कौन करेगा दो ग्राम पानी तापमान को 10 से 50 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या है आसान तरीके से सिखाता हूं जिसने न्यूमेरिकल जिसको नहीं आता है न्यूमेरिकल देख के नानी याद आती है वो रुके रहे मास कितना है 2000। और जल की विशिष्ट उष्मा होती है वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड तो विशिष्ट उष्मा वन तापमान में अंतर कितना है दस और पचास तापमान में अंतर घटेबा पचास में दस तो आ जाए चालीस तापमान में अंतर क्या है चालीस गुड़ा कर चार दुना आठ अस्सी गुड़े एक हजार हो जाए इस एक हजार को किलो मान लो तो अस्सी क्या आ जाएगा किलो कैलोरी या अस्सी हजार ये दिया तो है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए मुझे लगा किलो कैलोरी में देगा तो अस्सी किलो कैलोरी भी दे सकता है या ये भी दे सकता है तो सही जवाब दोनों में से कोई एक दे सकता है सही जवाब यह है क्लियर हो गया क्यू बराबर एमएस डेल्टा टी क्या हो गया क्यू बराबर एमएस डेल्टा टी यानी इस क्लास में न्यूमेरिकल भी सिखाया जाएगा ये देखो ना पूछा है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा अब ये सवाल देखो गुप्त उषमा का है सब तो कम आ रहे थे ना हाँ चलो ये सवाल देखो आप जानिए जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ भी होता है और जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर जल भी होता है और दोनों के अंतर बस इतना है कि इसके लिए गुप्त उष्मा चाहिए आई गुप्त उष्मा छुपी हुई उष्मा जो है इसको गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा और गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है क्यूँ बराबर एम इंटू एल होती है एम का मान एक ग्राम और एल का मान अस्सी कैलोरी पर ग्राम तो सही जवाब आ जाएगा अस्सी कैलोरी पर ग्राम लेकिन यहां पर कैलोरी में नहीं दिया है जूल में दिया है तो अस्सी में चार दशमलव एक आठ से गुड़ा कर जा आठ अठाई चौसठ का चार हासिल छ आठ एकम आठ और 14 का चार हो जाएगा यहां पर आठ को बत्तीस एक तैतीस एक अंक पे दो अंक पे दशमलव लगा दीजिए तैतीस दशमलव चार तीन अंक पे दसमलव लगेगा तीन सौ चौतीस है छासी में चार दशमलव एक आठ का घुड़ा कर दीजिए भाई आठ को बत्तीस होता है तीन सौ बीस के करीब होगा यही आंसर आपके पास आएगा ठीक है ना यही आंसर आपके पास आने वाला है ठीक है 80 किलो कैलोरी गलन की गुप्त उषमा है और वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी है 540 कैलोरी पर ग्राम वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम रटे रहना भूलना मत बिहार को ऐसे सवाल पसंद है एक सवाल और दिखाता हूं फिर दूसरी तरफ चलता हूं यह सवाल कर लोगे क्या बोलो ये होमवर्क दे दे कह रहा है पांच ग्राम बर्फ है लेकिन जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है और जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर बाबू पानी है जल है तो दोनों के लिए क्या चाहिए गलन की गुप्त उष्मा चाहिए कि नहीं अभी तो निकाले थे Q बराबर क्या होगा m इन टू एल मास कितना है पांच ग्राम l कितना था अस्सी गुड़ा करके बताओ आप बताओगे गुड़ा करके कितना होने वाला है हाँ सत्रह होमवर्क दे दे चलो जवाब दे दो होमवर्क का क्या होने वाला है बतावा हो आठ पचास चालीस चालीस चार सौ कैलोरी ऑप्शन नंबर ए चलो होमवर्क सॉल्व कर दिया यार तुम लोग चलो दूसरा सवाल देखो पूछा है गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वास्पीकरण के लिए तरल हाँ तरल के वास्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किस में किया जाता है गीजर में इलेक्ट्रिक केतली में रेफ्रिजरेटर में माइक्रो माइक्रोवेव ओवन में किस में किया जाता है पूछा है एक जवाब हां और कहते हैं कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है सुनिएगा एक लाइन वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है आ क्यों न कितना भी बड़ा हो आ क्यों ना कितना भी कठिन हर नदी की धार से पत्थर को टूटना पड़ा है पत्थर को टूटना पड़ा है तो जाहिर सी बात है यहां पर गर्मी अवशोषित करने का काम जो है ना केवल फ्रिज कर सकता है बाकी सब गर्मी पैदा करने वाले एकदम सही जवाब लल्लन टाप जवाब दिए हो सब भी जवाब दिए थे यहां पर देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया क्वेश्चन को घुमाया ऐसे है ना पूछता है, बिहार वाला ऐसे ही है सब पूछते हैं भाई कैसे पानी का हिमांक पूछते हैं है है। है। करोगे पूछा तो फॉरन में है अब में पूछा है तो कह देना जीरो डिग्री सेंटीग्रेड बत्तीस डिग्री फॉरन के बराबर होता है किसके बराबर होता है बत्तीस डिग्री फॉरन के बराबर होता है इस सवाल में मोल का सवाल है और जिसने आज तक मोल नहीं सीखा वो बिहार में जान जाए कि पुलिस कांस्टेबल में मोल के सवाल पूछ सकता है बड़ी संभावना है अब मोल के सवाल पूछने की संभावना आज से तीन चार दिन में ये पूरी तरह से सीख जाएंगे गिवेन मास अपॉन मोलर मास गिवेन मास उनहत्तर ग्राम है मोलर मास कितना है सोडियम के तो सोडियम का द्रव्यमान कितना तेईस होता है तो तेईस से भाग दे दो तीन का नौ कितनी बार में आएगा तीन मोल सोडियम का परमाणु अच्छा 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 सॉरी 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 यहां पर मोल दिया है मोल दिया है तीन और यहां पर गिवेन मास उन्हत्तर दिया एक्स का मान पूछा है एक्स ब... क्या हो जाएगा उनहत्तर बटा तीन तीन से काटोगे तो तीन दुना छह तीन त्रिका नौ तेईस हमको याद था ना सोडियम पूछा तो याद था

परमाणु क्रमांक के के खोज केले रहे मोजले कैले अब बा कि भैया चौसठ ग्राम में मोल के संख्या कितना हुई तो भाई चौसठ ग्राम में जो मोल के संख्या हुई ना चौसठ ग्राम में वो ज्ञात कितना बा चौसठ अब मोलर द्रव्यमान चार पूछ ले बा चार एकम चार छ के चौबीस चार एकम चार चार छ के चौबीस सोलह ऊपर से लेके नीचे श्वेता अभिषेक अंकित नीरज खुशबू श्रेयास बिल्कुल मैक्सवेल, सब छाप दिए हैं सब बिल्कुल यह होता है तूफानी अंदाज जबरदस्त हो गया महातांडव बिल्कुल तांडव किसका था एकदम इसी बात का तो था कि सही जवाबों का तांडव था तांडव इस बात का था कि हर मुश्किल आसान हो जाए तांडव इसी बात का था और ये तांडव सावन में शुरू हो रहा है तो हर हर महादेव के साथ शुरू हो और क्या चाहिए अमोनियम क्लोराइड के कड़ू में कितने परमाणु अगर अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला नहीं मालूम होगा तो एग्जाम में बैठ के मुंह देखोगे कि नहीं अगर अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला ना मालूम हो तो बताओ ना कितने परमाणु है जिनको नहीं मालूम है दूसरा जब टाइप कर रहा होगा तो देख रहा होगा कि भैया ये क्या टाइप कर रहा है अरे भाई देख ना चार हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन एक क्लोरीन आधा सात टाइप कर रहे हैं सब आधा सात टाइप कर रहे हैं। कितना होगा अमोनियम क्लोराइड सात कहां से आई हो चार एक पांच एक सात कहां से आई अब बता दे जा सात कहां से इसका मतलब फार्मूला गई हां चल लाइक कौन करेगा भाई सेशन को एक बार लाइक करो मुझे लग रहा था हजार लाइक पहुंचाए हो अभी तो आप लोग बिल्कुल हमको लग रहा है कि लाइक वाला काम नहीं कर रहा है एक बार चेक करके बताओ भाई जो लोग लाइक नहीं किए इतने कंजूस कहां से निकल गए निम्नलिखित में से कौन यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है गिन लोग गिन के बताओ आज गिनो परमाणु एक हम गिन दे रहे हैं दो और एक तीन ये सबसे कम है ज्यादा वाला आपको गिनना है ना 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 एकदम बैसाखी तो हम दे ही नहीं सकते बिल्कुल याद रखिएगा कहते हैं आगाज ने अंजाम से हंसकर कहा जब शुरुआत होती है आज शुरुआत की क्लास है तो आज ये बात कह रहा हूं कभी अंत में दूसरी कहानी सुनाऊंगा आगाज ने अंजाम से हंसकर कहा है, दोस्त। के घर देर है अंधेर नहीं है मालिक के घर देर है अंधेर नहीं है आसानी से नौकरी मिलेगी मेहनत करो भैया हाइड्रोजन में दो गो हाइड्रोजन एगो सल्फर चार गो ऑक्सीजन सात हो गई एगो कैल्शियम दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन पांच हो गई हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन दो चार हो गए सबसे ज्यादा किस में सल्फ्यूरिक एसिड में क्लियर पूछिए पूछा है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं संभारिक भाई एकदम हमको एकदम साढ़े पांच सौ लाइक तो अभी पार होना चाहिए देखिये पांच सौवा लाइक कौन कर रहा है पांच सौ पचासवा लाइक जो करे वो मैसेज करे देखिए पूछा है अगर देखो समस्थानिक पाना हो समस्थानी कैसे मिलते हैं तो दो अल्फा और एक बीट नहीं एक अल्फा दो बीटा से एक अल्फा दो बीटा से आइसोटोप तो प्राप्त होते हैं अब कहोगे गुरु जी बार कैसे मिलेगा संभारी कैसे मिलेगा सुन लो लाल संभारी ना आइसो बार जानते हो कैसे मिलेगा बीटा कण निकल जाए बीटा कण, या एंटी बीटा निकल जाए दोनों में मिलेगा या तो बीटा निकल लो या एंटी बीटा निकलो आ सिलेक्शन तो हो ही तहन ये कि भाई बीटा निकलो तब तो संभारी पैदा होगा आइसो बार पैदा होगा क्लियर एकदम याद रखना अरे वाह छ पांच सौ पचास लाइक मेरी बात माने आप लोग जबरदस्त झारखंड से हैं भाई साहब एकदम तोड़ दीजिए छोड़िएगा मत फॉर्म भरिए यूपी बिहार जिसने अपनी माटी से मिट्टी के साथ बिल्कुल याद रखिएगा एक सौगंध खाई है कि भाई इस बार की भर्ती हमारी असली भर्ती है इस बार दिवाली जो होगा वर्दी के साथ होगा तो एकदम अगर ठान लिया तो ठान लिया फिर जीना क्या और मरना क्या कार्बन डेटिंग निम्न प्रकार हां कार्बन डेटिंग क्या करता है किस प्रकार के आयु का निर्धारण करेगा हो कार्बन डेटिंग पूछा है पौधे का जीवाश्म का चट्टान का किसका करेगा अरे जिसमें कार्बन पाया जाएगा उसी का करेगा ना जिसमें कार्बन पाया जाएगा उसका करेगा कि पौधों का तो वलय गिनते हैं छल्ला गिनते हैं पता है ना हाँ किसके छल्ला गिनते हैं तो आप जानते हैं कैम्बियम के छल्ला गिनते हैं यहां पर बैठ के ठीक है यहां पर जीवाश्म होगा ना जीवाश्म होगा चलिए चट्टान देखो कार्बन डेटिंग चट्टानों का है या जीवाश्मों का है यहां पर तो कंफ्यूजन है चट्टानों का भी निकाला जाता है बिल्कुल सही है तो दोनों यहां पे ऑप्शन बन रहा है ठीक है लेकिन एक को हमने सही चुना है यहां पर देखो डायरेक्ट पूछा है कि कार्बन की तिथि का निर्धारण में कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है तो कार्बन के तिथि के निर्धारण में कौन सा समस्थानिक कार्बन का यही एक समस्थानिक है जो प्रयुक्त होता है और कार्बन के जितने तत्व तो है उससे ज्यादा तत्व तो दूसरे किसी का है भी नहीं चलिए पूछा है मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती है देखो एक कहानी है बबली बंटी और बबली एक मूवी आई थी किसने किसने देखी थी नहीं देखी हो तो आज सुन लो बीबीएल बंटी और बबली में बोन को बोन से कौन जोड़ेगा लिगामेंट तो बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट है आ उसके बाद बीएमटी। अरे भाई बोन को मसल से कौन जोड़ेगा टेंडन अंग्रेजी में रटना हिंदी में मत रटना हाँ क्योंकि कंडरा है अलग अलग नाम देगा गड़बड़ा जाएगा यहां पर लिगामेंट होगा बोन को बोन से कौन जोड़ेगा लिगामेंट और बोन को मसल से जोड़ेगा टेंडर याद रखना बबली और यहां पर बीएमटी चलो आगे चल जाओ मनुष्य में मांसपेशियों को हड्डियों से अभी पूछ रहे थे आज जवाब छाप दो सब छापो क्या होगा आंसर बिल्कुल पता तो चले कि आज ये रात के साढ़े दस बजे भी YouTube पे गर्मी कितनी है तो क्या होगा टेंडन होगा कि नहीं ए ऑप्शन होगा पूछा है गुड़सूत्र किससे संबंधित होते हैं गुड़सूत्र किससे संबंधित होते हैं आप जानते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं इसी क्रोमोसोम पर अनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं जिसमें जीन उपलब्ध होते हैं और यही जीन अनुवांशिक लक्षण होते हैं क्लियर है ना यही जीन हाँ तो सही जवाब क्या होगा सी होगा बोलो क्लियर है कि नहीं पक्का चलो आगे देखते हैं रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे क्या विकल्प भरना है भाई यदि एक पौधे का समझीनी इतना है, तो क्या होगा अब फिनोटाइप देखो एसमॉल टी एस्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर एसमाली स्मॉल टी का मतलब होता है डार्फ और कैपिटल आर का मतलब होता है राउंड तो यहां पर क्या होगा बौना पौधा होगा और साथ में गोल गोल तो पहले तो दुनिया होगी गोल 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 यहां है आल बावना पौधा गोल ऑप्शन नंबर सी बावना और गोल ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल चलिए आइए दोस्ती यारी चलेगा ये बताओ ना बालिका में नवजात बालिका में की कोशिकाओं में कौन से गुणसूत्र का संयोजन है छापो देखे कौन छापते हो बिल्कुल बालिका में पूछा है अगर एस्पर्म में पूछता तो एस्पर्म में होते हैं क्या तो एस्पर्म में आप जानते हैं 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स या वाई एग में पूछेगा तो 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स जाइगोट में पूछता तो लगा देते 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई लेकिन गर्ल चाइल्ड पूछा है तो एक्स एक्स होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जिन जिन ने ए लिखा है नीरज अभिषेक प्रिया स्वाति रानी श्रेया जागृति कुंदन पासवान जी सभी लोगों का भाई जिनका नाम पढ़े नहीं पढ़े उनको भी नमस्कार भाई पूछा इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है आदर्श गैस बताओ कौन सा आदर्श गैस नहीं है इसमें से कौन सा होगा भाई बताओ अरे हेमा नेहा और किरण जेबा रानी है कि नहीं सबसे अधिक यौगिक किसके जेनान के एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर किसका इस्तेमाल होता है एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर इस्तेमाल होता है किसका नियान का वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नोबेल गैस है वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्लियर क्रिप्टान है क्रिप्टान अब देखिएगा सबके बारे में पूछा है कौन सा आदर्श गैस नहीं है तो ब्रोमीन नहीं है क्योंकि ब्रोमीन तरल अधातु है क्या है भाई तरल अधातु एक लाल रंग की तरल अधातु है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बत्तीस तो भाई बारह क्वेश्चन और है छापो पहले निम्न में से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है प्रियाडिक टेबल के बड़ी सुपरहिट सवाल अजनबी गैस कौन सी कहलाती है अजनबी गैस बताओ बताइए भैया राहुल क्या होगा इसका सही जवाब धान तो लिए हैं आप तो छा तो जाएंगे निम्न में से कौन सी अजनबी गैस है जेनान। क्रिप्टान तो हिडन गैस है क्रिप्टान कैसी है गैस है बिल्कुल छुपी हुई गैस है बिल्कुल हाँ पूछा है कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त तो होता है देखिए दो तरह के पदार्थ है अस्थाई चुंबक बनाना होना अस्थाई तो सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल कर लेंगे सॉफ्ट आयरन का लेकिन जब हमको बनाना होगा ना स्थाई चुंबक तो स्थाई चुंबक के लिए सब एलनिको है कार्बन स्टील है सारे के सारे आल हो जाएगा ठीक है एक बच्चा कह रहा है सर जी मेरा पहला क्लास है तो उनको भी बता दो भाई लोग कि ये महातांडो का पहला क्लास है, है कि नहीं हर हर महादेव के साथ मजा आया हो तो बताओ फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्र क्या होगा फ्लक्स घनत्व का अब देखो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक क्या होता है टेस्ला है या वेबर पर मीटर स्क्वायर है वेबर पर मीटर स्क्वायर या क्या है वेबर पर मीटर स्क्वायर के अलावा न्यूटन पर एंपियर पर मीटर है ये सब है या गास है ये सब है पूछा है तो फ्लक्स घनत्व कहे तो ये चुंबकीय क्षेत्र को ही कह रहा है और ये वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा या yeah, टेस्ला होगा इसमें टेस्ला को देखते ही मात्रक में टेस्ला को लेते हैं इसमें ठीक ना सब है इसमें तीनों उसी के मात्रक है तीनों उसी के मात्र छापे तो हैं देख लो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 छत्तीस देखो पहले अनुचुंबकी पदार्थ अनुचुंबकी पदार्थ का मतलब होता है पैरा अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब पूछा है कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र में देखो एक होते हैं प्रति अब प्रति जो होते हैं बड़ी महंगे होते हैं जैसे गोल्ड होता है सोना आओ आगे सोना चांदी प्लेटिनम ये सब होते हैं लेकिन जब अनुचुंबकी कहेगा तो देखो फेकोनी एक और याद कर लो फेकोनी लौह चुंबकी है ये लौह चुंबकी है तो देखो निकिल आ गया तीनों तो आ गए बस एल्यूमिनियम को चुन लो फेको नहीं देखो फेको नहीं लोह चुंबकी याद करना तरीका याद करना फेको नहीं ये छोवा लाइक हो सकता है क्या पांच सौ बयासी पर अटके पड़े हैं तो थोड़ा सा एक बार अपने खून की वो गर्मी दिखा दीजिए कि दो डिग्री सेंटीग्रेड ब्लड उब, उबल के आ जाए आंखों में वो तेवर आ जाए एक बार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अब बाएं हाथ का नियम देखो बाएं हाथ से बल्ब जलाते हैं विद्युत मोटर में बाएं हाथ का नियम है विद्युत मोटर में बाएं हाथ से मोटर चला लोगे पंखा चला लोगे लेकिन जनरेटर चलाना हो तो दाहिने हाथ कहोगे हाँ गुरु जी जनरेटर तो बाएं हाथ से ना चली जनरेटर में हैंडल लगा के लो तो जनरेटर में क्या होगा अरे भैया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस में है जनरेटर में तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम क्या होगा फादर मदर चाइल्ड फादर मदर चाइल्ड फादर कौन तो अंगूठा फोर्स को बताता है मैग्नेटिक फील्ड को ये वाली उंगली बताती है और बीच वाली उंगली धारा को बताती है तो बीच की अब देखो पूछा है बल की दिशा कौन बताएगा अंगूठा बताएगा अरे वाह मजा आ गया सारे के सारे छापे हैं सब एक ही जवाब छापे हैं सब अरे भाई 600 पार करा दिए जय हिंद भाई सबको जय हिंद जबरदस्त लाइक बारह वोल्ट का विभांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच कार्य किया गया छत्तीस जूल एक बिंदु ये है दूसरा यह है दोनों के बीच में छत्तीस जूल का कार्य है और आपको विभवांतर बताया गया है बारह वोल्ट का पूछा गया है आवेश क्या होगा तो आपने पढ़ा होगा वी बराबर डब्लू अपान क्यू आवेश पूछा है बताओ क्या होगा गलत नहीं होना चाहिए हर एक का बिल्कुल एकदम हर हर महादेव बिल्कुल भाई W अपान V आना चाहिए बिल्कुल W कितना है छत्तीस और V कितना है बारह तो कसम महादेव की एक एक पॉइंट सीख के जाना है तीन कुलाम ये यार रखना फार्मूला ऐसे जैसे छाप रहे हो ना सबके सब ऐसे मेहनत करना और मैं जानता हूं इसमें से भी सिलेक्शन उसका होगा जिसने जिसने अभ्यास रेगुलर किया मैं ये नहीं कहता कर करें करें लेकिन रेगुलर करें बिल्कुल पूछा है विभवांतर बारह वोल्ट है और कार्य साठ जूल है फिर आवेश बताओ विभवांतर कितना है बारह वोल्ट और कार्य कितना है साठ जूल फिर से बताओ आवेश डब्लू अपान बी अगर इस बार भी सही जवाब दे दिए ना तो भैया आज हमारी क्लास धन्य हो जाएगी सबके सब एक बार महादेव की कसम से बिल्कुल जवाब दे दीजिए साठ में बारह से भाग देकर बता दीजिए गुरुजी क्या होने वाला है पांच कुला पक्का ना पक्का आय हाय मजा आ गई तो भाई चलो पूछ लेबा कि बराबर कैपेसिटी के अब ये सवाल जो है ये सवाल का लेवल है बेटा अगर इस सवाल के लिए तुम एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आए हो चार कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी बराबर कैपेसिटी वाले चार कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब वो श्रेणी क्रम में हो चार कैपेसिटर जिनकी धारिता कितनी है सी पांच बन गल का हो सी 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 इक्विवेलेंट क्या होगा सी बाय n क्या होगा एक का मान रखो संख्या से भाग दे दो एक का मान रखो कितना होगा एक का मान सी संख्या कितना चार अगर सब पांच सब पांच माइक्रोफेरेड के होते सब तो सी इक्वेलेंट आ जाता पांच बटा चार आठ के होते तो आठ बटा चार श्रेणी क्रम में अगर दो होंगे श्रेणी क्रम में अगर दो होंगे एक का मान सी वन एक का मान सी टू तो ऊपर कर देना गुणा नीचे कर देना जोड़ ये छाप लेना मैं सिखा रहा हूं यार कहा जा रहे हो देखो तो इधर करो तो एक इधर एक इधर छह माइक्रोफेरिड तीन माइक्रोफेरिड बताओ जब आप तो आपसे आप पहले कोई बता दिया ना तो कहना गुड़ा करना है ऊपर और नीचे जोड़ देना है अगर दिमाग में गुड़ा कर पाओ ना तब रुकना नहीं तो चल देना छह और तीन दिखा दो दम भाई ऊपर गुड़ा करना है नीचे जोड़ देना है हो पाएगा क्या बिना पढ़े बिना ये किए अगर डायरेक्ट देख के कर सकते हो क्या छह त्री अठारह छह तीन नौ अठारह बट्ट नौ आंसर लिख दिया जा दो माइक्रोफेरेड बिहार के अगर लाल होगा जा तो ए इनर्जी के साथ है पढ़े बा एक और सवाल देता नहीं और इस सवाल के जवाब बिना पेन उठौले करेगा अगर सही में बिहार के लाल होखा जा तो भाई ये जवाब के बिना पेन उठौले करो बारह माइक्रोफेरेड और चार माइक्रोफेरेड दो आंसर दे रहे हैं चार माइक्रो हाँ माइक्रोफेरेट का और दूसरा ऑप्शन है थ्री माइक्रोफेरेट का क्या सही जवाब आएगी सबका एक जवाब आना चाहिए बिना पेन उठाए करना है ऊपर गुड़ा नीचे जोड़ है दम तो जवाब दीजिएगा नहीं तो आज विदा ले लीजिए बिल्कुल क्लियर है अगर है दम तो रुकिएगा नहीं तो जाइएगा मैं फिर से कह रहा हूं चार गुलाम वाले अभी भी दिख रहे हैं तो भैया दिखने नहीं चाहिए थे मुझे मैंने कहा था ऊपर घूड़ा करना था बारह चौको अड़तालीस नीचे जोड़े के रला बारह चार सोलह तो सोलह तीन अड़तालीस तीन आगे चार वाला कहां से आगे ले जा भाई इतना आसान सवाल में अगर गलती हुई तो कठिन सवाल ले आए तो दिन तो तनिक भाग जी बजा रुकल ना रुकब जा ना वही दिन बिल्कुल हाँ तो कहल जला कि एक भोजपुरी के शायरी बा कि दुखवे जिंदगी में इतिहास बनेला आ ओही में केहू खास बनेला ती एम डी क्लासेज के जो प्लेटफॉर्म बना ल जला की दुखवे जिंदगी में इतिहास बनेला ओही में केहू खास बनेला आ जे समझेला सब केहू अपन हवे जे समझेला सब केहू अपन हवे ओही में केहू धोखा देला या विनाश बनेला तो याद रखिए जब भरोसा जहां करेगा ऊजा करे जाना भाई हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर इकतालीस कह रहे चार आपको दे दिया कैपेसिटर सब समानांतर क्रम में जुड़े हैं अब बुद्धि लगाने से पहले सुन लो समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो डायरेक्ट जोड़ देना है समानांतर क्रम में जुड़े हैं ना तो सबका मान जोड़ दो समानांतर क्रम में जब भी जुड़ते हैं तो अठारह प्लस सोलह प्लस बयालीस प्लस चौहत्तर जोड़ कितना हुई चार दो छह चार दस आठ अठारह का आठ हासिल आया एक मिनट एक मिनट एक एक चार दो छह बारह आठ बीस यहाँ पे गलत हो रहा है चार दो छह आठ बीस बीस का जीरो हासिल दो सात चार ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह डेढ़ सौ कुल डेढ़ सौ कुम नहीं डेढ़ सौ माइक्रोफेरेड अगर समानांतर में होगा अगर समानांतर लिखा है समानांतर लिखा है और साथ में धारिता लिखा है तो जोड़ देना समानांतर और धारिता लिखा है तो जोड़ देना और अगर कैपासिटर श्रेणी में है तो ये वाला क्लास देख लेना ठीक ना हाँ बिल्कुल अब बात नहीं करेंगे धारा निकालना सिखा देंगे अगली क्लास अगले दिन करेंगे हम लोग दो तीन सवाल और है बिल्कुल छा जाओ चार सवाल और है बस चौवालीस सवाल दो सवाल और है बिल्कुल इसके बाद पूछा है विद्युत धारा का मान बताओ आई का मान कैसे बताओगे क्यू अपान टी और क्यू कैसे जानते हो एन इंटू e, वही तो सिखा रहा हूं एन इंटू अपां क्योंकि Q बराबर n एन इंटू e, हम करेंगे घबड़ाना ना आप लोग बाद में कर लेना दोबारा देख लेना संख्या कितना है 6.28 पॉइंट टू एट इंटू टेन टू दावर अठारह और इलेक्ट्रॉन के आवेश कितना होला 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस उन्नीस और नीचे समय कितना दिया एक सेकंड एक सेकंड का समय दिया है हो उन्नीस अठारह उन्नीस में से 18 घटे तो 10 की घात माइनस एक बची ये ना बची अ सोलह के गुड़ा के आंसर निकाल दो दोलह के गुड़ा कह के आंसर निकाल दो अरे हाँ सिक्स पॉइंट टू एट इंटू वन पॉइंट सिक्स का गुड़ा कर दो बिल्कुल सिक्स पॉइंट टू एट इंटू वन पॉइंट सिक्स का गुड़ा कर दो दस दसमलव जीरो चार आ जाए दस दसमलव जीरो चार गुड़े दस की घात माइनस एक आंसर आ जाए वन एम्पियर वन एम्पियर के आंसर आई कल यह जा आराम से ठीक ना कल आराम से कहले बाल कौन अगर देख ले हुई तो है तो बताइए ये सोच के लिए जानी जवाब बजा जा सोच के नहीं आएल कि कठिन बा कठिन जया कि भैया माटी में कितना दम बा F बराबर एम में ए पूछ लेबा भाई F अपान एम फोर्स है सौ और नीचे है पचास अब वो बता दे तो फिर शर्म करे के बात हो जाएगी क्या होगा पचास के भाग दे दो दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर A होई कि B होई गलत जवाब मत दिया जा फिर से मैं कह दे त्वरण के मात्रक अगर नहीं याद ना तो भाई क्लास देख लिया जा बिल्कुल आराम से बी ऑप्शन वाला भाई हाथ जोड़ा था नहीं माफ कर दा जा बिल्कुल कैसे बी हुई भाई मात्रक त्वरण के का होला मीटर अपन सेकंड स्क्वायर नहीं ये हो जाएगा मीटर अपन सेकंड स्क्वायर ये हुई ना ये हुई ना मीटर अपन सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक नहीं पता है क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब के सब एक ही सारा के सारा धाने पहिया बा हाँ। सब त्वरण का जवाब गलत दिया है सब वाह कल्ला जा कमाल हो चलो लास्ट क्वेश्चन आज के मुक्त रूप से गिरने में सक्षम 10 किलोग्राम की द्रव्यमान की एक वस्तु 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा मुक्त रूप से गति करने में कोई वस्तु 10 किलोग्राम की है एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाएगा तो कौन सा कथन सही होगा बताइए निकाय पर 1 मीटर पर सेकंड चाल की गति से गति करेगा निकाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से अब देखिएगा निकाय जब नीचे की ओर जाएगा ना तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ही गति करेगा या आप ये निकालेंगे a बराबर एफ अपान एम तो जाहिर सी बात है यहां पर 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 आपको दिखाई देगा तो आपको c ऑप्शन दिखाई देगा क्या ऑप्शन दिखाई देगा आपको c दिखाई देगा ठीक है तो इसका सही जवाब क्या चुनेंगे ठीक है इस तरीके से अगर सोचेंगे तो आपको चुनना पड़ेगा वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी यहां पर मुक्त रूप से इसको छोड़ना पड़ेगा नीचे गिर रहा है इसको छोड़ना पड़ेगा ठीक ना तो ये अब त्वरण का मात्रक अगर आज के बाद से इस क्लास में गलती नहीं होना चाहिए बिल्कुल जो लोग आज की क्लास में थे ये आखिरी क्वेश्चन था मीटर पांच सेकेंड स्क्वायर है गड़बड़ ना हो भाई आज की क्लास यहाँ पे समाप्त भाई ठीक ना उम्मीद बा कि आप सभी बेहतर रहेंगे मस्त रहेंगे बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा या तो विशाल सर के एमडी क्लासेस चैनल पे आ जाइएगा ठीक ना विशाल सर एमडी क्लासेस या अभिषेक सर एमडी क्लासेस जहां पे आएंगे वहां मिल जाएगा इसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें हैं जहां पर आप जुड़ सकते हैं कोई समस्या हो कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं सभी को भैया हर हर महादेव कल मुलाकात होगी 9 बजे और लक्ष्य बैच जो है उसमें कल की क्लास अधातुओं की पढ़ाएंगे और साथ में आपको बिल्कुल याद रहे वहां पर हम एक और प्यारा सा एक सरप्राइज वाली क्लास है वो भी पढ़ाएंगे ठीक है तो चलिए इसी के साथ आज सभी को वेरी वेरी गुड नाइट उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे मस्त होंगे जबरदस्त होंगे इनर्जी के साथ जाइएगा बेहतरीन नींद लीजिएगा क्योंकि नींद से ज्यादा बेहतरीन और कुछ नहीं है सभी को राम राम सभी को जय हिंद जो लोग आ जाए थे मुस्तफा जी है श्वेता है चंचल है अंकित जी है श्रेया है ये सारे वो नाम भी इसमें दिखाई दे रहे हैं जिनके वजह से यह क्लास की रौनक बढ़ी हुई है दोस्त आप ही हम लोगों के चांद सितारे हैं और कल आसमा पे आप ही को छाना है तो आज एक वादा करके जाइएगा कि वर्दी जब तक नहीं मिलेगी अभिषेक सर आपसे वादा है सभी जो आज की क्लास देख रहे हैं बने हुए हैं उनमें से जो भाग्य है छोड़ के उनको नहीं कह रहा हूं जो रुके हुए हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि एक वादा करके आ जाइएगा सावन का सोमवार है महादेव की कसम है कि गुरु अभिषेक सर आपसे एक वादा करके जा रहे हैं कि जब तक वर्दी मिलेगी नहीं उस दिन तक दस घंटा से कम पढ़ेंगे नहीं अगर वादा है तो फिर क्लास में आइएगा पक्का वर्दी लेने का अगर वादा है तो आइएगा बिल्कुल दस घंटे डेली अगर है गर्दा उड़ाने का वादा है मिट्टी में इतनी ताकत है तो भाई याद रखिएगा फिर मुलाकात होगी और मैसेज में छाप दीजिएगा कि जी गुरु जी दस घंटे पढ़ने का वादा है कल से आएंगे चलिए जय हिंद मेरे साथियों को बिल्कुल मस्त रहिए जबरदस्त रहिए